आवाज वगैरह आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, अभी सब लोग म्यूट करो और मैं एक क्वेश्चन छोटा देता हूँ, उसको पहले क्वेश्चन को करो, मतलब उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा रिकॉर्ड करना चालू कर दिया है तो पता चल जाएगा कि कितना तुमको तुमने प्रॉपर तरीके से किया है। ये लेक्चर नंबर 3 है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का। इसके बाद और एक लेक्चर बचा रहेगा जो कि क्वेश्चंस के ऊपर होगा, मतलब सर्कुलर मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कंबाइंड क्वेश्चंस। अभी भी वैसे अपन क्वेश्चंस करते ही है लेकिन तभी भी, तो ठीक है, मैं एक पहले क्वेश्चन देता हूँ एक रिविजन के लिए, मतलब आगे का चैप्टर, मतलब आगे का टॉपिक आज 5 मिनट के एक रिविजन, 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उनको आपको करना है, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल मतलब होमवर्क मतलब क्या, जस्ट चेक करने के लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, मतलब ध्यान से सुनो, ठीक है, ऐसा वाला चीज है और ऐसा वाला चीज है। यहां से मैंने एक ब्लॉक को छोड़ा मास M को, ये हाइट H1 थी, और यहां पे ये हाइट इधर से इधर H2 थी, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब मुझे ऐसा बोला है कि ये सपोज इनिशियली इसका स्पीड 0 था, इनिशियली इसका स्पीड 0 है, ये ब्लॉक ऐसा जाके जब इधर आएगा तो बोला है कि इसका यहाँ पे स्पीड v कितना होगा, इसका यहाँ पे v कितना होगा, स्पीड कितना होगा। ये मेरा एग्जाम्पल 1 है, और एग्जाम्पल 2, दोनों एग्जाम्पल को आपको 5 मिनट में दे रहा हूं, जो भी आपको पता है वो उधर से अपने को करना है। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, और एक ब्लॉक है उसके आगे रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है। सबको सुनने में आ रहा है ना प्रॉपर? यस सर, ठीक है, हाँ। और ये इसने बेसिकली ऐसा पकड़ लो कि ये टोटल X1 से कंप्रेस किया हुआ है, मतलब यहाँ पे X इक्वल टू 0 है, मतलब कंप्रेस किया हुआ। अब यहां से इस ब्लॉक को छोड़ दिया, तो यहां से इस ब्लॉक को छोड़ा तो ब्लॉक क्या करेगा, आगे जाएगा, और यहां पे आगे और एक स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ में रखी हुई है, लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो अब मुझे तो ये ब्लॉक क्या करने वाला है, बताओ क्या करने वाले ब्लॉक, यहां से निकलेगा और इस स्प्रिंग को दबाएगा, बराबर ना, इस स्प्रिंग को दबाएगा। तो जैसे ही स्प्रिंग को दबाएगा तो कुछ दबा के यहां तक जाएगा, राइट, मतलब इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कुछ ना कुछ होगा। तो बोला है कि इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, फाइंड दिस एक्स मैक्स, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग 2, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग 2, ये कितना होगा ये पूछा हुआ है। इसको छोड़ा, ब्लॉक इधर गया, इधर दबा दिया, ठीक है, तो ये कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, और यहां पे भी ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये एक्स इक्वल टू 0 का पार्ट है, इधर इधर भी इसका एक्स इक्वल टू 0 स्प्रिंग का। तो दोनों क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और चैट पे आंसर डालना है। तो तुम्हें वीडियो को ऑफ करके रखता हूँ, म्यूट भी करके रखता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करो गाइस।
ठीक है गाइस, बताओ क्वेश्चन हुआ किसी का, कुछ लोग का क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? ठीक है चलो, पहले एक काम करता हूं मैं आज का लेक्चर, ठीक है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, उसके पहले फटाफट एक क्विक छोटा सा रिवीजन गाइस, एक मिनट यहां से कट करना है। हाँ गाइस, तो आज हम लोग अपन पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर का, आज का तीसरा लेक्चर है, ठीक है ये थर्ड लेक्चर है, और थर्ड लेक्चर में जैसे पहले दो लेक्चर्स में क्या हुआ है मैं एक क्विक छोटा सा क्विक रिवीजन दूंगा, ठीक है उसके बाद ही हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मतलब थर्ड लेक्चर मतलब नया कुछ चीज पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे देखो जैसे, तो सो गाइस एक मिनट रुको, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो हम लोग, जैसे हम लोग ने बोला कि अभी पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, तो रिवीजन कराता हूँ फटाफट, क्या क्या चीजें हैं मतलब हम लोग देखते हैं, तो कौन सी चीजें आने वाली है, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था पांच फोर्सेस होते हैं पूरे के पूरे, इसमें ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग। देखो तो बेसिकली हर एक अपने को क्या करना है, इन पांचों पांच फोर्सेस का वर्क निकालना है, ठीक है मतलब ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग, इन पांच फोर्सेस का अपन ने वर्क निकाला तो अपना काम हो गया, राइट। सबको याद है ग्रेविटी का वर्क क्या होता है, ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हाँ इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो एच होता है दैट इज माय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है एकदम सिंपल। वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब इन द सर्फेस बिलो इज फिक्स, मतलब नीचे वाला सरफेस फिक्स होता है, जैसे कि सपोज मैंने ऐसा कुछ दिया है और ये फिक्स्ड है और इसके ऊपर एक ब्लॉक छोड़ दिया मैंने, तो तुमको पता है कि हमेशा नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो होने वाला है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन।
और वो तो आप निकाल दोगे, मतलब जब निगेटिव होगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आप निकाल दोगे, राइट। वर्क डन बाय टेंशन क्या याद रखना है, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू जीरो इन सर्क्यूलर मोशन, मतलब सीएम सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है। जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, अगेन एंड वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। वर्क डन बाय स्प्रिंग, जो अपने पिछले लेक्चर में पूरा का पूरा सेकंड लेक्चर हम लोग बहुत सारा टाइम के ऊपर स्पेंड किया था, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है मैग्नीट्यूड वाइज इज हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसको अपन प्लस या माइनस साइन डाल सकते डिपेंड्स अपॉन द अगेन सिचुएशन। इसका एकदम सिंपल सा मैंने बोला था, जब भी स्प्रिंग सपोर्ट करती है, मतलब क्या होता है ना, ब्लॉक का स्पीड बढ़ रहा है स्प्रिंग के वजह से। आप इमेजिन करने का, जैसे मैंने ना एक ब्लॉक को कंप्रेस करके रखा हुआ है, छोड़ दिया, तो जैसे मैंने कंप्रेस करके रखा हुआ है छोड़ दिया तो क्या होगा, अरे भाई छोड़ने के बाद ब्लॉक का स्पीड बढ़ेगा, तो ब्लॉक का स्पीड बढ़ेगा इसका मतलब क्या, स्प्रिंग सपोर्ट करे तो पॉजिटिव, स्प्रिंग अपोज करे मतलब एक स्प्रिंग ऑलरेडी वैसी रखी हुई है और एक ब्लॉक को जोरदार उसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर डाला अपन ने, तो जो ब्लॉक का स्पीड वो स्प्रिंग कम करेगी, तो ब्लॉक तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपोज करेगी। तो कुछ लोग क्या करेंगे, सपोर्ट एंड अपोज से कुछ लोग थोड़ा सा इमेजिन करके सोचेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल कुछ लोग क्या सोचेंगे, मैंने दो वर्ड आपको दिमाग में रखने के लिए बोले थे, सपोज स्प्रिंग कंप्रेस करके रखी हुई है, तो स्प्रिंग इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड और वहां से छोड़ा, या स्प्रिंग इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड वहां से छोड़ा, तो क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज पॉजिटिव। सपोज स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हो रही है या एक्सटेंड हो रही है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है एक्सटेंड हो रही है उस केस में निगेटिव, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको मैंने बोली थी, प्लस एंड माइनस वर्क। अब ये दो चीजों के लिए मैंने आप में एक छोटे से दो एग्जाम्पल आपको पहले देता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, ये दो एग्जाम्पल इनको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, भाई सब लोग देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। जैसे पहले केस में एग्जांपल वन में देखो क्या दिया है, मास m यहाँ पे रखा है, h1 इधर का हाइट, h1 इधर का हाइट, h2 है, इस मास m को यहाँ से छोड़ दिया, तो मास m ऐसे करके ऐसे आएगा और ये बोला है कि यहाँ का स्पीड कितना है। अब सिंपल वर्क एनर्जी देखो ध्यान में रखना, वर्क पावर एनर्जी वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा या स्पीड वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम लोग जब आगे आगे बढ़ेंगे तो पूरा मैकेनिक्स से कंबाइन आता है क्वेश्चन, राइट, जेई मेन में या इवन नीट में थोड़ा सा लोअर लेवल पे आता है, हाँ जेई एडवांस थोड़ा सा अपर लेवल पे आएगा, वो तो वैसे भी हम लोग देखने वाले इस वीक में। वैसे भी गाइज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है एडवांस का, ठीक है, एडवांस प्लस बैच का, और वो मैं रखने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स के ऊपर, ठीक है, वो मोस्टली ट्यूजडे या वेनसडे के एकदम नाइट पे रहेगा, नाइट मतलब 9:30-10 o'clock को मेरा लेक्चर रहेगा रात को, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि ये h1 हाइट है, h2 हाइट है, यहां से मैंने ब्लॉक को छोड़ा, इधर ब्लॉक आया, मैंने आपको एक सिंपल सा थ्योरम पढ़ाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं, आप बोलो मत कुछ, सुनो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज माय वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अब ऑल द फोर्सेस में कौन से फोर्सेस पढ़े गाइस हमने, ग्रेविटी, नॉर्मल फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ दो ही फोर्सेस है, जब ब्लॉक यहाँ से छोड़ दिया तो एक ग्रेविटी है जो नीचे है एंड एक नॉर्मल फोर्स है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में सिर्फ दो फोर्सेस रहेंगे, वन इज ग्रेविटी एंड वन इज नॉर्मल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी वर्क एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो इनिशियल एंड फाइनल देखने का, सो दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, देखो ये जो है मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी इनिशियल हो गई, ये मेरी पोजीशन कौन सी होगी, फाइनल पोजीशन होगी, इनिशियल फाइनल, पहले इनिशियल एंड फाइनल आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इनिशियल स्पीड कितना, यहाँ पे इनिशियल स्पीड जीरो, फाइनल स्पीड निकालना है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो काम हो गया ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी काम हो गया। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, एकदम सिंपल, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ ना, डायरेक्टली ग्रेविटी एंड वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने गए तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे h1 प्लस h2 दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mg इनटू क्या, h1 प्लस h2 दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी गाइस, सिंपल कुछ है ही नहीं। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा भाई, जीरो, क्योंकि सरफेस है फिक्स है ना, पूरा का पूरा चीज फिक्स है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फाइनल माइनस, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं नहीं फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, खत्म बात,
तुम्हारा आंसर आ गया, v की वैल्यू कितनी आई गाइस, mm कैंसिल हो गया तो अंडर रूट ऑफ कितनी आई, 2g h1 plus h2 आया क्या आंसर आपके आएगा गाइस? यस सर। समझ में आया, मतलब एटलीस्ट आपका रिवीजन तो हो गया एटलीस्ट इसमें? यस सर। ठीक है चलो, अब एग्जांपल टू देखते हैं गाइस। एग्जांपल टू मतलब इसमें स्प्रिंग का भी थोड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों केसेस लिखे हुए हैं। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे वर्क एंड थ्योरम लगाने गया तो क्या क्या होगा, वर्क एंड थ्योरम में क्या क्या होगा, कौन से फोर्सेस का वर्क होने वाला है? किसी का तो माइक चालू है भाई, माइक बंद करो। आप जैसे ही माइक ऑन करते हो उसके बाद ऑफ करना भूल जाते हो, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस आते रहता है। अब यहाँ पे देखो सेकंड इसमें देखो, यहाँ पे दो स्प्रिंग्स है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग वन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग टू प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ग्रेविटी या नॉर्मल भी तो है ठीक है, उनका वर्क जीरो होने वाला है। लेकिन लिखने का ना, पहले मैं वर्क एंड थ्योरम तो लिखूं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बाद में आप जब जेईई मेन एंड नीट में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब लिखोगे नहीं, ये तो आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ पूरा। थोड़ी कोई देखने आने वाला है कि जेईई मेन में तुम क्या लिखे हो, कौन सा वो लिखे है, कुछ लिखने का नहीं, डायरेक्ट फटाफट आंसर, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देने का, ठीक है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय स्प्रिंग वन, अब देखो स्प्रिंग वन इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड, उसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा, लेकिन अपने को स्पीड से लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले ब्लॉक आएगा यहाँ पे एकदम मस्त स्पीड से आएगा, कुछ विनॉट स्पीड आ जाएगा उसका, उसके बाद उस स्प्रिंग को यहाँ पे धक्का देगा और फाइनली ब्लॉक इधर आएगा और इधर रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, पहले तो इनिशियल एंड फाइनल ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या बोलेंगे बताए, इनिशियल फाइनल, कुछ लोग दो स्टेप में इसको करेंगे, इधर से इधर अलग से करेंगे और इधर से आगे अलग से करेंगे, लेकिन ऐसा मत करो। मैंने भाई ये इनिशियल लिया, मैंने भाई ये फाइनल लिया, तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? जीरो, इट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड। और मुझे बताओ जब ये पूरा का पूरा मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, देखो इमेजिन करो ना, यहां से ब्लॉक निकला, इसको मैक्सिमम कंप्रेस कहीं ना कहीं पे जाके रुकेगा, और जब वो रुकेगा वही तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उसके बाद तो ब्लॉक वापस ऐसा चला जाएगा। ये मेरे को क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि वापस ऐसा जाएगा तो क्या होगा, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ, तो एक क्वेश्चन अलग से बनता है, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए अपना यही क्वेश्चन है सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी, जीरो होगी। तो ये इनिशियल और ये फाइनल है, अंदर का सारा भूल जाओ, ठीक है। तो अब मैं ये जो लिखा है वो भी इसको ड्रॉ रब कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल मैंने इनिशियल और फाइनल लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा वाला स्प्रिंग, पहले तो आप मुझे बताओ कौन सा वाला स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करेगा, कौन सा वाला निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, क्या है यहाँ पे? K1 पॉजिटिव, K2 नेगेटिव। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे स्प्रिंग ये जो सपोर्ट कर रहा है, राइट, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग वन जो होगा यहाँ पे, द वर्क डन बाय स्प्रिंग वन, इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग वन इज पॉजिटिव, दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग वन इज हाफ के एक्स वन स्क्वायर, सपोर्ट करेगा ना मोशन को। जैसे इस स्प्रिंग के ऊपर आया, ये स्प्रिंग क्या करने वाली है अभी, अपोज, ये स्प्रिंग क्या करने वाली है मोशन को, क्या करने वाली है, ये अपोज करेगी, तो क्या होगा यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स टू मैक्स, जिसको मेरे को भी निकालना है, स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है गाइस, भाई ग्रेविटी के डायरेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे है, ऐसे जा रहा है ब्लॉक। वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो है, तो ये दोनों केसेस तो वैसे भी ये दोनों केसेस तो जीरो ही हो गए, इसका तो कुछ काम ही नहीं था, ये दोनों जीरो ही है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पे गाइस काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो ही है ना, मतलब फाइनल और इनिशियल, तो यहाँ पे भी जीरो माइनस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, खत्म। अब यहाँ पे देखो, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से K1 है यहाँ पे, ये K2 है यहाँ पे, तो मुझे बताओ X2 की वैल्यू आ गई आपकी, इससे X2 की वैल्यू कितनी आई, मैं चाहिए तो ग्रीन में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो X2 की वैल्यू आई, आप यहाँ पे देख सकते हो X2 की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ K1 बाई K2 इंटू X1, समझ में आ रहा है क्या गाइस? भाई हाँ या ना बोलो, यस और नो बोलो, यस सर। अच्छा भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों मतलब जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए
अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं, क्वेश्चन कैसे करने वो समझ में आ रहा है? चलो ठीक है गाइस, अभी चलो, तो ये था मेरा एग्जांपल वन, ये था मेरा एग्जांपल टू, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी पावर हो गया, वर्क एनर्जी पावर। अब ये मेरा मतलब अभी मैंने जैसे आपको बोला, एक मिनट रुको, अब यहां पे देखो, जैसे मैंने अभी यहां पे आपको बताया कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, तो आपको अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अभी थोड़ा सा नया कुछ मैंने आपको बताया, थोड़ा सा नया कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सचर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करके लाने हैं, ठीक है, जो आपको होमवर्क करके लाने हैं। मैं उसके पहले सोचने दो मुझे, मैं अभी आपको क्या, चलो पहले दो तीन चीजें बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्सेस गाइस, थोड़ा सा आपको ना अलग वाला चीज बताऊंगा मैं। जैसे मैंने बोला था पांच टाइप के फोर्सेस हम लोग जनरली पढ़ते हैं, अब यहां पे भी देखो फोर्सेस जो है ना, यहाँ पे मेजरली फोर्सेस में दो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो मैंने न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन में बोला था ना, फोर्सेस तीन टाइप के होते हैं, याद है आपको, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अटैचमेंट वाले फोर्सेस। यहाँ पे फोर्सेस अभी अपन दो कैटेगरी में करेंगे, कोई भी जो फोर्स होगा नेचर में वो दो कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है सुन लो सब लोग, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, सिंपल। एक कंजर्वेटिव, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब मैं यहां पे डेफिनेशन कुछ लिख रहा हूं, इफ, ठीक है, यहां पे ध्यान में रखो, इफ वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट देन द फोर्स, यहां पे मैं एक काम करता हूं, इफ हटा देता हूं, यहां पे वर्क डन, यहां पे ध्यान में रखना, वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या होगा बताओ मुझे, मतलब बेसिकली ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ब्लॉक मास यहां पे इस पाथ से लेके आओ, पाथ नंबर वन से लेके आओ, पाथ नंबर टू से लेके आओ, या ऐसा घूम के पाथ नंबर थ्री से लेके आओ, क्या होगा गाइस बताओ मुझे, कैसे भी लेके आओ, पाथ नंबर ये पाथ ऐसा 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 जाके ऐसा लेके आओ, पाथ फोर से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। इन दिस पर्टिकुलर केस वर्क डन इन पाथ वन इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ टू इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ थ्री इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ फोर। ये कौन सा केस अपन ने देखा था गाइस, कौन सा अपन ने केस देखा था, ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी में कैसे भी ब्लॉक लेके आओ, इट इज ऑलवेज mgn वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, बोला था मैंने। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस के सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं ऊपर लिख देता हूँ चाहिए तो, ग्रेविटी वर्क, ग्रेविटी फोर्स का वर्क। उसके बाद हम लोग बाद में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्क, ठीक है, इवन मैग्नेटिक फोर्स का वर्क। तो ठीक है, ये सारे जो सारे फोर्सेस के जो वर्क होंगे, ये सारे कंजर्वेटिव वर्क होंगे। मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा आज, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा व्हाई द ग्रेविटी का वर्क इज mgh, ठीक है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा मैं। अब सेकेंड है नॉन कंजर्वेटिव। गाइस नॉन कंजर्वेटिव में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे वर्क डन बाय पाथ इज, वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे मुझे बताओ क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, अब एकदम सिंपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क होता है, फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क होता है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। अब यहां पे आप एकदम सिंपल सा बात देखोगे तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये वन है, ये टू है, ऐसा पकड़ लो कि ये टॉप व्यू है। सो दिस इज टॉप व्यू, यहां पे देखो ये टॉप व्यू है,
टॉप व्यू का मतलब समझ रहे हो, अपन ऊपर से देख रहे हैं। तो मुझे होता है यहाँ पे मैंने टॉप व्यू मतलब क्या, यहाँ पे मैंने एक मास एम रखा, तो मुझे होता है ग्रेविटी कहाँ पे, ग्रेविटी कहाँ पे टॉप व्यू मतलब ग्रेविटी कहाँ पे, पेज के अंदर। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे, पेज के बाहर, ग्रेविटी अंदर पेज के ये बाहर। अब मुझे बताओ इस ब्लॉक को मैं यहां से सपोज सिंपली यहां पे लेके आया, ये था मेरा पाथ वन, ये मेरा पाथ वन था, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये इनिशियल एंड फाइनल लिख देता हूँ, ये इनिशियल और ये फाइनल है, और मेरा दूसरा पाथ है, दूसरा पाथ है कुछ ऐसे, मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ, पहले ऐसे लाया, फिर ऐसे लाया, फिर ऐसे लाया, ठीक है। तो ये था मेरा पाथ नंबर टू, और मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये लिखा मैंने एल, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैंने लिखा एल वन। अब थोड़ा सा फ्रिक्शन का लॉजिक लगाओ, मुझे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलोंग पाथ वन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन अलोंग पाथ वन में लिखता हूं यहां पे, गाइस वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलोंग पाथ वन क्या होगा, मतलब सपोज ऐसे जा रहा होगा, मतलब ब्लॉक इधर से इधर गया और फाइनली ब्लॉक इधर आने वाला है, ठीक है। तो वन के अलोंग में जो फ्रिक्शन होगा वो होगा माइनस म्यू इंटू एन, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस म्यू इंटू एन इंटू डायरेक्टली लेंथ एल, फ्रिक्शन इंटू लेंथ ना। बट वही चीज मैंने सपोज इस ब्लॉक को कुछ ऐसे लेके गया, पार्ट टू से मैं लेके गया, अब पार्ट टू से मैं लेके गया तो आप यहां पे देखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलोंग पाथ टू, अलोंग पाथ टू लेके गएंगे तो पहले वो L1 जाएगा, फिर वो L2 डिस्टेंस जाएगा, फिर पहले L1 जाएगा, फिर L जाएगा, फिर वापस L1 जाएगा, तो दो बार L1 जाएगा वो, और हर बार फ्रिक्शन अपोजिट कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पार्ट टू अलग रह जाएगा, और वो अपन में लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस म्यू एन इंटू क्या, एल प्लस माइनस म्यू एन इंटू टू टाइम्स एल वन, टू टाइम्स एल वन, ठीक है। तो आप देखोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलोंग पाथ टू इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क डन बाय, तो यहाँ पे हम लोग को प्रूव हो गया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन अलोंग पाथ वन इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलोंग पाथ टू, मतलब मुझे बताओ वो पाथ डिपेंडेंट है ना, वर्क फ्रिक्शन में पाथ डिपेंडेंट वर्क हो गया, अलोंग पाथ वन फ्रिक्शन का वर्क कुछ अलग है, अलोंग पाथ टू फ्रिक्शन का वर्क कुछ अलग है। तो ग्रेविटी का ऐसा नहीं था, ग्रेविटी में क्या था, इनिशियल टू फाइनल लाओ, कहीं से भी लाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑलवेज mg इनटू h, फर्स्ट पाथ से लाओ, सेकंड पाथ से लाओ, थर्ड पाथ से लाओ, फोर्थ पाथ से लाओ, कहीं से भी लाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑलवेज mg इनटू डायरेक्टली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, मतलब इसमें कुछ अलग सोचना नहीं है, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं जेई मेन प्रो लेवल पे आता है, नीट में नहीं आता आगे वाला पार्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन तभी भी नीट वाले लोग देखो क्योंकि एम्स पीएमटी सपोज होती है आपके लिए दो साल के बाद, तो एम्स में आ सकता है, ठीक है। तो पहले उसके पहले दो मिनट में इस चीज को लिख दो, फटाफट लिख दो, जरा लिखना है आपको स्क्रीन शेयरिंग से, अभी आप वीडियो चैट से देख रहे होंगे लेकिन स्क्रीन शेयरिंग से आपको देखना है। जिनको भी हैंड रेज वगैरह करना है कर लो भाई,
So today our class is at 6 p.m. Huh. Next class will be at 6 p.m. 6 to what, sir? 6 to 8:30. गाइस आपका रोटेशन आज नहीं है ना हां सर आज नहीं है ना आज क्या आज 6 पीएम का क्लास नहीं है ना है ना क्यों नहीं है भाई आपका आज का सेकंड लेक्चर 6 टू 8:30 रहेगा शाम को रोटेशनल मोशन सर आज मंडे तो केमिस्ट्री रहता है क्या घाटकोपर में केमिस्ट्री रहता है शाम को केमिस्ट्री लेक्चर रहता है ओके घाटकोपर का वैसे भी आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ आज जैसे भी वैसे भी आज अपना घाटकोपर का जितने भी लोग हैं वो आज के आज मुझे मतलब पहली बात मैसेज करेंगे ठीक है कितने लोग यहाँ पे एक बार हैंड रेस कर लो गाइस घाटकोपर के जस्ट लोग हैंड रेस कर लो बाकी लोग हैंड डाउन कर लो आर्यन तेरा हैंड अभी तक रेस दिए शायद से उसको डाउन कर ले और मुझे घाटकोपर वाले सिर्फ लोग हैंड रेस कर लो ठीक है और आर्ची सार्थक एक मैडम है जस्ट ब्रीडा और कौन है श्रेयस महक ठीक है आज पांच के पांच लोग ना पहले मुझे आज जस्ट इस लेक्चर के बाद या अभी लेक्चर चालू चालू आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करो अभी आपका नाम और ऐसे लिखो घाटकों पर ठीक है ओके सर ठीक है क्योंकि अपने मैं जैसे बोल रहा था ना घाटकोपर की कितनी इंटरेस्टेड लोग हैं मुझे देखना था और वो वापस रह जाता है तो क्या है ना चीजें क्लैश होती है इधर उधर तो मुझे पहले वो देखना है और आपको बताना है और वैसे भी घाटकोपर का केमिस्ट्री क्या चल रहा है आपका केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है भाविन दोषी सर हाँ मतलब आपका बोर्ड्स का ही चल रहा है ना लेकिन आपका आप लोग क्या आप बोर्ड्स वाले हो जेई वाले हो नीट वाले हो क्या है आप सर मैं नाटक है तू सार्थक नाटक सार्थक नाटक आरसी आरसी तेरा महक नीट है जेई है तो नीट एंड जेई का है तो आपका थोड़ा सा सीरियस नोट पे आपको ना मुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी ठीक है ओके सर ठीक है मुझे लगता है सिर्फ आपका फिजिक्स ही जा रहा है कि जो जेई एंड नीट लेवल पे जा रहा है सर वो एक बार वो सेकंड वाला एग्जांपल वापस एक्सप्लेन कर सकते हो सेकंड वाला एग्जांपल मतलब ये वाला हाँ हाँ और फ्रिक्शन वाला हाँ 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 मैं बोलता हूँ ठीक है एक मिनट रुको देखो सर आपको मैसेज किया है हाँ मैं देखा पहले काम करो पहले आप सिर्फ लिखो इसको लिख के हो गया क्या आपका यस सर आज क्या है ना वो कैमरा वाला नहीं है तो मुझे ना हर बार जाके वो कैमरा भी देखना पड़ता है क्योंकि एक दो दिन लगेगा मुझे क्योंकि मुझे एक्चुअली आगे वाले टॉपिक जो है पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स वो मेरा ऑलरेडी शूट किया हुआ नहीं है तो मुझे वो बहुत अच्छे से शूट करके रखना है एंड विद प्रॉपर मतलब मेरा हर एक लेक्चर में एनिमेशन डालने वाला हूँ मैं क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स ये बहुत ड्राई टॉपिक है ड्राई मतलब कोई भी उसको अच्छे से नहीं पढ़ाता ठीक है मैकेनिक्स वगैरह तो क्या है कभी कभी इंटरेस्टिंग क्योंकि मैथमेटिकल है तो बहुत सारे जो जेई वाले लोगों को अच्छा लगता है जिनका नीट में मैथ्स अच्छा है उनको अच्छा लगता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वेव्स एंड मॉडर्न फिजिक्स बहुत घटिया टाइप के टॉपिक्स होते हैं सर हाँ बोल सर ऑफलाइन उनके फिर से ये सब सिखाओगे ना अरे क्या तू पगला गया है क्या तू म्यूट कर मोहम्मद पटेल कुछ भी बोलते हैं ऐसे सिखाएंगे मतलब क्या बुरा तुमको चार साल में नीट देना है क्या जेई देना है क्या नहीं मतलब रिविजन कराएंगे ना ऐसा रिविजन कराएंगे रिविजन तो भाई रिविजन तो वैसे भी होने वाला है ना रिविजन तो वैसे ही होने वाला है और वैसे भी रिकॉर्डिंग में तो बोलो मत तुम्हारा सब पूरा यूट्यूब में सारी जनता तुमको सुनेगी ये मैसेज ऐसा सारे जब कमेंट होते हैं ना ये सारे चैट पे लिखने का सर हाँ बोलो सर आपने ये माइनस इसलिए लिया है ना क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन यस यस मैं आपको बताता हूँ मैं सेकंड एग्जांपल बताता हूँ लोगों को नहीं समझ में आया वो ठीक है पहले बताओ लिख के हो गया तुम्हारा आगे बढ़ू मैं हाँ सर यस सर यस सर हाँ ठीक है अब यहाँ पे देखो मैं जो सेकंड वाला मुझे एक पहले एकदम सिंपल सी बात बताओ एकदम सिंपल सी बात वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन का चीज कर रहे हैं अपन ठीक है
एक मास एम है, एक तो साइड व्यू है, साइड व्यू मतलब मास एम ऐसे रखा हुआ है। पहले तो मुझे बताओ, सपोज ये लेंथ एल गया ऐसे, तो मुझे तो पहले बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पेगा, फ्रिक्शन कहाँ पेगा, पीछे आएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे, बंदा जा मतलब ये बंदा मतलब क्या, ब्लॉक जा रहा आगे, ये इनिशियल था, ब्लॉक इधर गया, फाइनल पे इधर आ गया, ठीक है। अब ये कैसे गया वो छोड़ो आप लोग, पता है उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा, वो स्पीड कम होगा जो भी है, पहले तो मुझे तो सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन रहेगा कितना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना रहेगा, माइनस एफ इंटू एल, भाई माइनस एफ इंटू लेंथ एल, इतना तो समझ में आया यार मुझे ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एफ एस होता है, ठीक है, तो माइनस एफ, एफ एफ की वैल्यू कितनी, माइनस म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, म्यू इंटू एन इंटू एल, बराबर। तो ये था मेरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो कि आपका समझ में आ गया। अब मैं यही चीज को ना मैं बोलो टॉप व्यू, अब इसका टॉप व्यू कैसे दिखेगा, एकदम सिंपल है टॉप व्यू ना, ये मास m है, ये बेसिकली मास m रखा हुआ है इनिशियल पोजीशन से, यहां से ऐसे लेंथ ऐसे करके इधर आया वो, मतलब ग्राउंड नीचे है, आप समझ रहे हो टॉप व्यू मतलब क्या, ग्रेविटी नीचे है, नॉर्मल फोर्स आउट ऑफ द पेज है, ग्रेविटी इनसाइड द पेज है, समझ में आ रहा है। तो जब मैं इसको इनिशियल से फाइनल ऐसे लेके आता हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा, यही तो रहेगा, पहले इतना समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। और फ्रिक्शन कैसे रहेगा, फ्रिक्शन कैसे रहेगा, फ्रिक्शन ऐसे रहेगा, देखो ग्रेविटी, देखो मैं क्रॉस बनाता हूँ, सो ग्रेविटी इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेविटी इज आउट ऑफ मतलब इनसाइड द पेज mg, डॉट इज नॉर्मल, समझ में आ रहा है, डॉट मतलब क्या, ये बाहर आ रहा है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बाहर है, ग्रेविटी नीचे, मैं इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है इन शॉर्ट, तो n इज इक्वल टू mg हो गया। अब मुझे बताओ सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक मैं पहले इधर लेके आता हूँ, ठीक है, सेम ब्लॉक को मैं कुछ इधर लेके आता हूँ ऐसे, ठीक है, और ऐसे बोला मैं लेंथ L1 लेके आया, ग्रेविटी नीचे है, नॉर्मल फोर्स ऊपर, इधर फ्रिक्शन कैसे रहेगा, इस पूरे केस में फ्रिक्शन कैसे रहेगा, फ्रिक्शन तो पीछे ही रहेगा ना ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट L1 है, तो इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, माइनस एफ इंटू एल वन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑलवेज माइनस एफ इंटू एल वन, राइट। अब यही ब्लॉक को मैं घुमा के ऐसे लेके गया तो बताओ मुझे क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में, वापस फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करते, बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन ना, फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन भी तो चेंज करेगा ना, नहीं करेगा Guys. तो यहाँ पे भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे होगा, फ्रिक्शन ये पूरे मोशन में फ्रिक्शन वापस कहाँ पे रहेगा, फ्रिक्शन पीछे रहेगा, एल ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, माइनस वापस एफ इंटू एल, तो यहाँ पे माइनस एफ एल वन, यहाँ पे माइनस एफ एल, फिर इधर से इधर आएंगे तो वापस क्या होगा, माइनस एफ इंटू एल वन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे एड होते जाएगा, बराबर ना, सब माइनस माइनस माइनस, बराबर ना, हाँ सर। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एफ एल वन, माइनस एफ एल एंड माइनस एफ एल वन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस पाथ एंड इन दिस पाथ इज डिफरेंट, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज पाथ डिपेंडेंट, समझ में आ रहा है, जिस पाथ से अपन लेके जाएंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन उस पाथ के हिसाब से रहेगा, अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो इतना समझ में आ रहा होगा, तो बेसिकली ध्यान में रखना, बस इतना दिमाग में रखो यार, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज फ्रिक्शन, तो ध्यान में रखना, कोई बोला कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, तो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब थोड़ा सा मैं जो पढ़ाने वाला हूँ गाइस, ये थोड़ा सा एक अपर लेवल की चीज है, अपर लेवल की चीज नहीं मतलब लेवल वही है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वापस मैं बोला ना अपर लेवल मतलब थोड़ा सा इंटीग्रेशन आ गया इसमें, अब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं एग्जाम्पल वाइज बताऊंगा, ठीक है, और फिर मैं ग्रेविटी का प्रूव करके दूंगा, ग्रेविटी का भी वर्क डन में प्रूव करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं तो छोटा सा एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे लेता हूँ, एग्जांपल वन, वापस से बोलो, थोड़ा ध्यान से सुनो। अब मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, ऐसा पकड़ लेते अपन कि ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक है, द ब्लॉक इज मूविंग अंडर अ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो ब्लॉक इज इन मोशन, ठीक है, और ब्लॉक इज मूविंग अंडर द फोर्स एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप, समझ में आ रहा है, सो ब्लॉक इज मूविंग अंडर अ फोर्स कौन सा, थ्री एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप, ठीक है। ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम द, इनिशियली द ब्लॉक इज एट पोजिशन, ऐसा पकड़ लेते, मतलब मैं ये पूरा का पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ सेंटेंस को सुनते जाओ, इनिशियली द ब्लॉक इज एट द पोजिशन जीरो कॉमा जीरो,
एंड फाइनली द ब्लॉक इज एट द पोजिशन में यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ठीक है. सो इनिशियल पोजिशन ब्लॉक की थी 0.0 एंड ब्लॉक की फाइनल पोजिशन हो गई लेट्स से 2.3. मतलब मुझे बताओ ब्लॉक कहां से कहां पे गया. फाइनली ब्लॉक देखो फाइनली ब्लॉक जो है वो इनिशियली यहां पे था फाइनली यहां पे था मतलब 0.0 से वो गया 2.3 पे. अब मुझे बताओ यहां पे कोई भी पाथ मेंशन है क्या. मैंने ऐसा बोला है क्या कि डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में जाएगा या ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा. कोई भी पाथ मेंशन है क्या यहां पे. नो सर. मुझे तो कोई भी पाथ मेंशन है क्या. नहीं है यहाँ पे. देर इज नो पाथ. देखो पाथ का मेंशन ही नहीं है. ऐसा नहीं बोला है ना किसी ने कि सिर्फ पहले अलोंग वाई एक्सिस जाएगा ब्लॉक फिर वो अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा. ऐसा कुछ भी पाथ का मेंशन ही नहीं है. देर इज नो पाथ मेंशन इन द क्वेश्चन. ठीक है पाथ नंबर वन पाथ नंबर टू पाथ नंबर थ्री कहीं से भी जा सकता है. ठीक है कहीं से भी जा सकता है. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका होता है. यही सब लोग ध्यान से सुनो. What is work done? का basic definition? It is what? Now when the force is variable, now this force is not constant, it is variable. So it is integration of f vector dot dr vector. पहले तो मुझे बताओ इतना confirm, इतना सही है? F vector dot dr vector. अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज, एक important चीज होती है जो आपके दिमाग में डालनी होती है. Always, जब i cap and j cap दिया रहेगा ना, कभी भी i cap and j cap जब दिया रहता है, so always use dr vector is equal to dx i cap plus dy j cap plus dz k cap. समझ में आ रहा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए. मतलब ये जो चीज है ये आपको दिमाग में रखनी है. ठीक है तो अब यहां पे मुझे बताओ अब मैं यहां पे वर्क डन निकाल देता हूं. यहां पे इंटीग्रेशन करूंगा. f वेक्टर कितना है 3x स्क्वायर i cap plus 2y j cap डॉट डॉट. ठीक है यहां पे हो जाएगा dx i cap plus dy j cap plus dz k cap. ठीक है अब ये डॉट हो गया. अब जब इसका डॉट हो गया तो मुझे बताओ कौन सा डॉट बचेगा. i डॉट i बचेगा या j डॉट j बचेगा. k का तो कुछ काम ही नहीं है. तो मुझे बताओ यहां पे इंटीग्रेशन किसका होने वाला है. वर्क डन क्या आने वाला है. इंटीग्रेशन ऑफ क्या आने वाला है यहां पे 3x स्क्वायर dx प्लस यहां पे क्या होगा 2y dy. भाई मुझे बताओ क्यों ऐसा हुआ. i के साथ i बचा और j के साथ j. डॉट प्रोडक्ट याद करो थोड़ा सा. j के साथ क्या बचा. j बचा बराबर ना. देखो i डॉट i इज 1 j डॉट j इज 1 बाकी i डॉट j वगैरह सब जीरो होता है. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करते क्या करते अपन. पहले तो मुझे तो इतना समझ में आया क्या. यस सर. समझना ही नहीं था इसमें तो एकदम सिंपल सी बात है. मैंने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है f वेक्टर डॉट dr वेक्टर बस उतना ही अपन ने किया है. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स डालते हैं. अब देखो हमने ना कभी कभी सिंगल लिमिट डाला है तो यहाँ पे लेकिन अपन ऐसा नहीं लिखेंगे. इंटीग्रेशन के लिमिट्स डालने के लिए मैं सर थोड़ा सा आपको बोला ना जेई मेन का थोड़ा सा अपर लेवल और एडवांस वाला टाइप का लेवल हो गया. 0.0 से लेके 2.3 ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे. देखो इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी ऐसे डालेंगे अपन 0.0 2.3. अब पहले तो मुझे एक बात बताओ इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है. बिल्कुल है ना भाई. यहाँ पे x dx है यहाँ पे क्या y dy है. इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना. बिल्कुल है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करो ना. क्यों नहीं करना है. अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं अपन. अपन मुझे बताओ पहले इंटीग्रेशन. देखो यहाँ पे अपन करेंगे इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx का अलग से करेंगे. अब यहाँ पे सिर्फ x ही है तो सिर्फ लिमिट्स भी 0 से 2 डाल सकते हैं अपन बराबर. और यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे क्या है सिर्फ 2y dy में क्या है. इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy में क्या है सिर्फ y है तो लिमिट कहां से कहां पे डालेंगे. 0 से क्या डालेंगे 3 डालेंगे. ठीक है अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आया. इसका आंसर क्या है. मेथड याद रखो सिर्फ x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है. व्हाट इज x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन. 3 तो बाहर आ गया. x क्यूब बाई 3 और यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2 टू टू कैंसिल ये कैंसिल. तो यहाँ पे आंसर क्या है. मुझे तो आंसर क्या है x स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या आया एक्स क्यूब प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर. आपको चाहिए तो डायरेक्टली लिमिट्स भी डाल सकते हैं. ऐसे भी आप लिख सकते हो. आपको चाहिए तो अलग अलग मत करो. अलग अलग मत करो. ठीक है लिमिट फाइनली डाल दो ऐसे 0.0 एंड यहाँ पे लिमिट डाल दो 2.3. इट इज वन एंड द सेम. एक बार 2.3 डालो एक बार 0.0 डालो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है. तो इसका आंसर क्या है. 0 एंड 0 डालेंगे तो वैसे भी 0 होने वाला है वो.
ठीक है, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, मैं एक काम करता हूँ, इधर आप ऐसे लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, या इधर आप ऐसा भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे ग्रीन में लिख रहा हूँ। कभी कभी कुछ लोग क्या करेंगे, इसका इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, तो इसका आएगा एक्स क्यूब लिमिट जीरो से टू करेंगे, इसका क्या आएगा वाई स्क्वायर लिमिट जीरो से थ्री करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी करेंगे, तो जो ग्रीन में मैं दिख रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो। आंसर तो सेम ही आने वाला है, इधर से आंसर निकालो इधर से आंसर निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा, टू क्यूब कितना है एट और थ्री स्क्वायर नाइन, एट प्लस नाइन कितना आया सेवनटीन, तो आंसर कितना आने वाला है गाइस 17, तो आंसर 17 आएगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर आएगा 17 जूल। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। जिसको दिक्कत होगी उनका इंटीग्रेशन वीक है भाई, इंटीग्रेशन तो क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने एक ही फॉर्मूला तो यूज किया है गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, यही तो इंटीग्रेशन होता है ना, और क्या होता है, इंटीग्रेशन तो यही तो होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ इतना आप लोग यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वन लिखो यहाँ पे। चलो एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल टू कराता हूँ, फिर एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू दोनों साथ में लिखो, ठीक है, फिर एग्जाम्पल थ्री थोड़ा सा और अपर लेवल जाएगा गाइस, अपर लेवल जाएगा। मैं आपको बोला ना आगे के 10-15 मिनट थोड़े से क्योंकि चीजों को बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आप ही लोग बताओ अभी, मतलब मैंने एक फोर्थ फैक्टर दिया, सब लोग सुने यहाँ पे, मैंने फोर्स वेक्टर दिया, फोर्स वेक्टर की वैल्यू दी मैंने यहां पे, देखो फोर्स वेक्टर की वैल्यू मैंने ली यहां पे, लेट्स से चलो थ्री वाई स्क्वायर जे कैप, हाँ यहां पे देखो थ्री वाई स्क्वायर जे कैप एंड द बॉडी दैट इज मास एम, इट इज मूविंग फ्रॉम लेट्स से इनिशियल पॉइंट दिया है, सो इनिशियल पॉइंट इज गिवन, इट इज 1, 2, ठीक है भाई, सब लोग ध्यान से सुनो, इनिशियल पॉइंट इज गिवन 1, 2 एंड फाइनल पॉइंट इज गिवन 2, 3। सो इनिशियल टू फाइनल मतलब मुझे होता बॉडी कहां से कहां पे मूव किया है, इनिशियली 1, 2 पे था एंड इट इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विच इज 2, 3, ठीक है, यहां से यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में वर्क डन कैसे निकालोगे, पहले वर्क डन कैसे निकालोगे मुझे बताओ, पहले क्या लेना होता है, व्हाट इज डीआर वेक्टर, डीआर वेक्टर को क्या लिखना होता है, dx i cap बिल्कुल dy j cap plus dz k cap, पहले तो अपना दिमाग लगा के बिना बंद करके सब यहाँ पे लिख दो है। तो वर्क डन की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, नाउ सपोज इफ व्हेन आई राइट f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो मुझे होता 3y स्क्वायर j cap, इसका मैं डॉट करूंगा किसके साथ, dy j cap dx, हाँ dx, हाँ तो एक मिनट पहले मैं पूरा लिख देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा टर्म बचने वाला है यहाँ पे, ये भी जे तो सिर्फ जे बचेगा कि नहीं बचेगा, जे ही बचेगा ना सिर्फ भाई, यहाँ पे सिर्फ टर्म क्या बचने वाला है, जे ही बचने वाला है, तो जे टर्म बचेगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे जब इंटीग्रेशन वर्क डन करूंगा मैं, इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, थ्री वाई स्क्वायर क्या आएगा dy, अब मुझे बताओ यहाँ पे थ्री वाई स्क्वायर dy आया और मेरा इंटीग्रेशन के लिमिट कहाँ कहाँ से थे, 1, 2 से लेके कहाँ पे 2, 3, तो अब एक चीज आप लोग नोटिस करोगे गाइस, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा टर्म आ रहा है, सिर्फ कौन सा टर्म आ रहा है, x आ रहा है क्या यहाँ पे, x आ रहा है क्या, नो सर नहीं, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y क्यूब होता है भाई, y क्यूब इंटीग्रेशन होता है, और लिमिट डालूंगा मैं 1, 2 से लेके 2, 3, तो मुझे होता कौन से लिमिट काम में आने वाले है यहाँ पे, 2 and 3, हाँ 2 and 3, ये y वाला 2 and 3, तो फाइनल लिमिट इज 3, इनिशियल लिमिट इज 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3³ - 2³, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, तो 3³ मतलब 27 - 8, तो आंसर कितना आएगा 19 जूल। अब तुमको समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, या नहीं समझ में आया गाइस? यस सर। तो ये दो क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कुछ आए तो आपको डरना नहीं है, i cap j cap के टर्म में कुछ क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, बस एक चीज दिमाग में रखना, dr वेक्टर इज ऑलवेज dx i cap + dy j cap + dz k cap एंड माय वर्क डन का एक्चुअल बेसिक डेफिनेशन इज f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। गाइस अब मुझे बताओ इस पूरे केस में कहीं पे भी पाथ का मेंशन है क्या, पाथ का मेंशन है क्या गाइस,
नो सर तो मुझे तो पाथ का कुछ मेंशन ही नहीं है इफ देयर इज नो पाथ तो मुझे बताओ ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स आ गया ये मुझे बताओ ये फोर्स कौन सा फोर्स आ गया मैं एक्चुअली ग्रीन कलर में लिखता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स इट इज कंजर्वेटिव फोर्स ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है देखो वेरिएबल फोर्स है लेकिन वो वेरिएबल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है देखो ग्रेविटी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको फील्ड फोर्सेज बोलते हैं वो तो ऑलरेडी कंजर्वेटिव होते ही होते हैं लेकिन ये वाले फोर्सेज जो वेरिएबल होते हैं वो भी कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं ठीक है अब जैसे मैं यहाँ पे देखो ये वाला ये भी फोर्स कौन सा है बताओ मुझे ये भी फोर्स कौन सा है कौन सा फोर्स हो गया कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो एक काम करो चलो इस दो एग्जाम्पल को फटाफट आप लोग लिखो उसके बाद मैं तीसरा एग्जाम्पल देने वाला हूँ जो वापस थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है मतलब जिसमें अपन थोड़ा सा जेई मेन के ऊपर मतलब जेई एडवांस का वगैरह एग्जाम्पल अपन मान सकते हैं वो भी आपको मैं करवा के देता हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर भी जेई मेन में भी आते हैं ठीक है और नीट में अच्छे लेवल पे आएंगे एग्जाम्पल वन फटाफट लिखो दो मिनट दे रहा हूँ आपको मैं सबको वीडियो को ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं सर हाँ हाँ बोलो भाई सर इंटीग्रेशन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में ही लगता है क्या नहीं नॉन कंजर्वेटिव में भी लगेगा ओके एक हद क्वेश्चन दिखा दूंगा तुमको मैं नॉन कंजर्वेटिव वाला भी पहले इतना लिखो वन बाय वन जाएंगे गाइस
गाइस पहला वाला हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ू मैं? यस सर। चलो दूसरा वाला भी लिखो, फटाफट लिखो, समझ के लिखो, लेकिन ना मतलब समझ के लिखना है, ठीक है? और जिन लोग का इंटीग्रेशन वगैरह वीक है उनको, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आपका काम है जाके इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस का वीडियो देख लेना, वीडियो देख के थोड़ा समझ लेना वापस और आ जाना। ज्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं यार, छोटा छोटा तो फॉर्मूले, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यार, मतलब बड़े हो गए हो तुम लोग यार, दिसंबर हो चुका है, 2021 में एंट्री मारी आप लोगों ने, जिनको कंफ्यूजन वगैरह होगा वो तुम्हारा खुद का काम है जाके वीडियोस देख लेना, क्योंकि बहुत टाइम पहले हुआ है सब चीजें, ठीक है? और सिंपल सी बात है, तुम लोग को देखो जेई मेन के जो लोअर लेवल के क्वेश्चन आते हैं या नीट के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो तुम कर लोगे, लेकिन जिन जो टॉपर बनाता है वो सब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बनाता है, मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फिजिक्स में जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो सब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बेस्ड होते हैं, ठीक है? नीट में नहीं आते, मैं जेई की बात कर रहा हूँ, जेई मेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और ऑफलाइन मतलब जब भी हम लोग का भी जो भी वो होगा तो ऑफलाइन में कैसे मेन लेक्चर्स यहाँ पे चलते रहेंगे, ऑफलाइन में मैं क्या करूंगा, जो जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिक जो जा रहे हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा मतलब उसका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? तो आपको मजा भी आएगा, पढ़ाना अपना ऑनलाइन रहेगा, ठीक है? तो मेन लेक्चर्स अपने ऑनलाइन रहेंगे, जो भी आपकी डिफिकल्ट चीजें होती है, रिविजन होती है, कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है या काइनेमेटिक्स में ग्राफ में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ और जगह प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब तो वो अपन करेंगे। काइनेमेटिक्स के ग्राफ का लेक्चर तो अभी तो आपका बचा भी है ना, एक ही हुआ है अपना सर, नेक्स्ट मंथ से क्या? हाँ नेक्स्ट मंथ से, मतलब फरवरी से, फरवरी सेकंड वीक से चालू करेंगे अपन। चलो फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो इसको, चलो नहीं लिखना चालू करो जरा। हो गया लिख के, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बताओ जल्दी। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे को डर रहता है वो उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। So when exactly when you start proper offline classes, like even these classes offline? No, these classes offline Mumbai में time लगेगा, because Mumbai में नहीं, लेकिन बाकी जो Mumbai के बाहर के centers है उसमें हम लोग we are starting। Mumbai का भी नासिक और time लगेगा, नासिक औरंगाबाद वाला हम लोग we are starting, but यहाँ पे मतलब Mumbai में time लगेगा, और offline offline will take time। थोड़ी सी लग जाएगी आपकी, ठीक है? अब एग्जाम्पल थ्री मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा जी एडवांस ओरिएंटेड एग्जाम्पल है, और मतलब जेई मेन प्रो बोल सकते हैं, नीट प्रो बोल सकते हैं, ठीक है? अब फोर्थ वेक्टर, अब यहाँ पे देखो फोर्थ वेक्टर क्या है, पहले मैं इसमें भी थोड़ा सा मतलब लोअर लेवल का ही पूछूंगा, उसके बाद अपर लेवल का, ठीक है? नाउ फोर्थ वेक्टर इज वाई आई कैप, ठीक है, प्लस एक्स जे कैप। देखो क्वेश्चन, देखो क्या हो गया, कुछ अलग ही हो गया। वाई आई कैप एंड एक्स जे कैप एंड द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लेट्स से 1.2 टू 2.3। This is my initial position and this is my final position. Find work done and find whether this force is conservative or non-conservative. Find work done and whether this force is conservative or non-conservative. चलो मेरे को चेक करने की कौन इस क्वेश्चन को करेगा, दो मिनट ट्राई करो और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। दो मिनट खुद से ट्राई करो, आपको समझ में आएगा क्यों क्वेश्चन डिफिकल्ट है और क्यों अलग है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद से किया नहीं, मतलब शायद से नहीं, नहीं किया है मैंने, ठीक है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट नहीं अलग है, एक बार मेथड पता चल जाती तो इजी हो जाता है। दो ही मिनट दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं।
टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं. रोटेशनल मोशन का आपने रिकॉर्डिंग देख लिया क्या पहले वाला, मतलब पिछले वाले लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख लिया वापस एक बार? यस सर. तो आज लेक्चर के बैठने के पहले देख लो, बैच थ्री वाले लोग सब लोग सुनो, आपको रोटेशनल मोशन का वो रिकॉर्डिंग देखना है, उसके बाद ही आज के रात शाम का लेक्चर बैठना है. कौन सा रिकॉर्डिंग सर? रोटेशनल मोशन का लास्ट लेक्चर. ओके सर. थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में देख लो, मतलब रिविजन हो जाएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन आपका छूटना नहीं चाहिए, बहुत बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है वो. ठीक है? यस सर. और आज मैं थोड़ा सा और अपर लेवल पे जाऊंगा तो आपकी हालत खराब हो सकती है. ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो कहाँ पे आप अटक रहे होंगे. मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आप अटक रहे, मुझे बताओ पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट इज डीआर वेक्टर, व्हाट इज डीआर वेक्टर? डीएक्स आई कैप, डीवाई जे कैप. अब पंगा देखो क्या हो गया, पंगा ये हो गया वर्क डन जब मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जब मैं लिखता हूँ एफ वेक्टर विच इज वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप, तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिली जो आपने नहीं देखी होगी पहले. क्या देखने को मिली, कोई बोल सकते क्या देखने को मिला आपको? y के साथ i और वहां पे y dx और x y dx प्लस x dy. देखा है क्या कुछ ऐसा चीज कभी इसका इंटीग्रेशन? भाई y और dx साथ में आ ही नहीं सकता ना, मैंने क्या बोला था x dx होना चाहिए y dy होना चाहिए, तो ही इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन y dy का होता है या x dx का होता है, उल्टा कैसे हो गया, x dy क्या हो गया, ये तो अपन ने कभी देखा ही नहीं है, बराबर ना? तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एक क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? सर इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं इंटीग्रेशन, आप बोलते थे छोड़ देते क्वेश्चन को. ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका लिमिट है 1.2 टू 2.3, तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है वही नहीं पता अपने को, तो करेंगे क्या? देखो जनरली ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस पूरे फॉर्म में पॉसिबल है. कैसे? तो इसका मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं शायद आगे वाले इसमें ले रहा हूँ. ठीक है, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो. यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव मुझे एक बार आपसे करवाना पड़ेगा. डेरिवेटिव पहले ध्यान से सुनो गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा z इज इक्वल टू x इंटू वाई लिखा, मैंने x इंटू वाई लिखा, तो कोई बोल सकता है व्हाट इज dz बाई dt, व्हाट इज dz बाई dt, कौन सा रूल लगाएंगे अपन इसको, कौन सा रूल? x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इसको हम लोग क्या लेंगे? uv रूल. तो पहले किसका डेरिवेटिव? u का dx by dt y वैसा का वैसा, प्लस फिर y का डेरिवेटिव dy by dt x वैसा का वैसा. इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, पहले वो बताओ. यस सर. मैंने एक आपको एक फॉर्म बताया था व्हिच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन फॉर्म, उसमें dt लिखते हैं क्या नीचे का? No, नहीं sir. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले माइक म्यूट करके रखो. अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, dz की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, dx y plus dy x. मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है क्या? डी डी लिखा ही नहीं मैंने, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. अब मुझे बताओ व्हाट इज जेड, व्हाट इज जेड, जेड इज नथिंग बट व्हाट, जेड इज नथिंग बट व्हाट. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ जेड इज नथिंग बट एक्स वाई. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, देखो ये फॉर्म कभी आपने देखा नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी एक्स इंटू वाई हो गया प्लस डी वाई इंटू एक्स हो गया. आपको समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो कभी भी ध्यान में रखना, d ऑफ x y इज नथिंग बट dx y प्लस dy x. तो कभी भी ऐसा कोई टर्म दिखाई दे तो इसका मतलब इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई. एक अलग फॉर्म मिल गया तुमको, तो ध्यान में रखना गाइज, ये पूरा का पूरा जो चीज है दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1.2, तो ये तो ऐसे लिख देते 2.3, और ये पूरा का पूरा जो चीज हो गया ये लिख दिया मैंने डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई. अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, dy क्या होता है, y. तो मुझे तो इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई ना, समझ में आ रहा है क्या? यस सर.
तो मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ कितना इजी क्वेश्चन हो गया, देखो ना कितना इजी क्वेश्चन हो गया, इसका डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा था, इसका डायरेक्टली मेरे को आंसर क्या आ गया, इसका मेरे को डायरेक्टली आंसर आ गया एक्स वाई एंड लिमिट फ्रॉम 1,2 to 2,3। देखो ये अलग क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मैंने एडवांस वाला बोल दिया उसको, क्योंकि इसका मेथड पता होना जरूरी है। 2 × 3 करेंगे तो 2 × 3 करेंगे पहले माइनस, फिर 1 × 2 डालो तो माइनस 1 × 2 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 6 − 2 कितना है आंसर 4 जूल। तो इसका आंसर आ गया 4 जूल। तो इसमें वर्क डन कितना आ गया 4 जूल। ठीक है बस सर एक बार स्क्रॉल डाउन करके वो मतलब इंटीग्रेशन हो। ठीक है ये वाला देखो, पहले आप एक काम करो, पहले ये समझ में ये भी लिखना है आपको z = xy। तो dz/dt वगैरह तो आपको पता है, uv रूल लगाया मैंने, लेकिन dt लिखा ही नहीं मैंने, मैंने क्या लिखा dz = d(x) dx, मतलब इसका डेरिवेटिव y ऐसी dy x। तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म है इट इज नथिंग बट dz, समझ में आ रहा है, दिस इज नथिंग बट dz। सर आप दिखा सकते हो मतलब फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है इसमें? फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है वो नहीं, मतलब फोर्स तो कुछ वेरिएबल है ना यार, y i cap + x j cap, ये फोर्स क्यों ड्रॉ करना है, वो तो वेरिएबल फोर्स है, वो बदलते जाएगा। फोर्स जो वेक्टर होगा वो बदलते जाएगा ना, डायरेक्शन भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, क्योंकि y जैसे y बदलेगा x बदलेगा, फोर्स अपना बदलते जाएगा, समझ में आ रहा है? तुम पहले ये लिखो, पहले एक काम करो, पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पहले ये मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में बाजू में पहले लिख दो और नोट करके लिख दो, यहाँ पे नोट करके लिख दो, यहाँ पे z = xy u and v कर दो और ये क्वेश्चन ये लिखो। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी के बेस के ऊपर, वापस जेई एडवांस का क्वेश्चन है वो, जेई एडवांस मतलब जेई एडवांस लेवल टाइप का या जेई मेन अच्छे लेवल का, नीट में नहीं आते सब ऐसा, ठीक है, लेकिन तभी मैं करा रहा हूँ नीट वालों को, देख लो। अपना अगला लेक्चर जो है, अपना अगला लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, मतलब आज मेरा वर्क एनर्जी पावर खत्म हो जाएगा कंसेप्चुअली, ठीक है, कंसेप्चुअली कुछ कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगा, तो अगला लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएगा, जो एचसी वर्मा का मैं होमवर्क दूंगा उसका क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, ठीक है, और एचसी वर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अभी, बहुत सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर के बाद, कुछ ज्यादा लेक्चर्स थे इसलिए मैंने होमवर्क नहीं दिया पिछले इसमें, ठीक है, क्योंकि आपका संडे का भी लेक्चर था, सब कुछ था और कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने होमवर्क नहीं दिया, लेकिन आज आपको होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है, तो आज का होमवर्क जो है आपको अगले फ्राइडे तक खत्म करना है, मतलब 3 दिन है आपके पास। रोटेशनल मोशन का भी होमवर्क थोड़ा सा आएगा आपका, कोई भी डेट एंड वेट नहीं था पिछले इसमें, ठीक है, लिख दिया आपने, पीछे करूं मैं, पीछे करूं? यस सर। ये करो अभी,
उन्हें बोला ना बैटरी जाती है, बैटरी कब गई मेरे को पता नहीं, मुझे लगता है पिछले वाला पहले वाले स्टार्टिंग स्टार्टिंग के शूट बहुत ही गंदे होने वाले हैं। माइक का बैटरी चला गया। ठीक है गाइस, ये भी हो गया आपका, लिख के आगे बढ़ू मैं? यस सर। चलो मैं ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसका जो आंसर देगा मुझे, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मुझे आंसर देगा पहले चैट बॉक्स में जो फर्स्ट इसका आंसर आएगा, और सही आंसर मतलब गलत आंसर नहीं, ठीक है, तो उसको, अभी तक तो मैंने कोई पैसे ट्रांसफर किए नहीं है क्योंकि कुछ जीता नहीं है, ठीक है, उसको 100 रुपए का इनाम, 100 रुपया मिलेगा उसको, और सिंपल सी बात है 100 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ऊपर थोड़ा सा मतलब मुझे वो पता भी चलेगा, हाँ यार ये मतलब इसमें दम है, इस बंदे में दम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनो, फोर्स वेक्टर दिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फोर्स वेक्टर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, देखो बहुत ही गंदा सा फोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस, किसी का तो मतलब माइक बंद कर लो गाइस, ठीक है, तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है और उसके वजह से जो इनिशियल पॉइंट है वो है 0.0, फाइनल पॉइंट है लेट्स से 2.3, ठीक है, तो इनिशियल टू फाइनल जा रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन कितना होगा। चलो फटाफट मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे पहले देख रहा हूँ मैं कितना कितना फास्ट हो सकता है, मैं आपको 3 मिनट का वक्त दिया हुआ है, करो फटाफट, जिसको समझ में आएगा ये फटाफट करेगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा या जिसका मैथ्स वीक होगा थोड़ा टाइम लगेगा, देखो देखते किसका मैथ सही है मतलब किसका मैथ अच्छा है। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ मैं, 2 मिनट आपके लगे चालू हो गए, 2 मिनट के अंदर जो आंसर देगा उसको ही वो मिलने वाला है।
ठीक है, अजिंक्य ने आंसर दिया है, अजिंक्य यस सर। गाइस अभी सब लोग सुनो, बस अभी आपका टाइम खत्म हो चुका है, एक मिनट पहले मैं अजिंक्य नहीं। आयन तू क्या किया, आयन क्या कर रहा है तू? यस सर। क्या कर रहा है इसमें, कुछ किया क्या? इंटीग्रेशन जैसे सर। हां आई वाज सर अप्लाइंग द इंटीग्रेशन, आई एम कमिंग टू द आंसर, आई मेस्ड अप द फर्स्ट टाइम डूइंग इट अगेन। आर यू गेटिंग इट? यस आई एम ट्राइंग सर, आई थिंक आई एम गेटिंग इट। I'll try one second. चलो यहाँ पे देख लो। हाँ अजिंक्य तूने क्या किया बता भाई जरा। सर सो मैं ऐसे देख रहा था कि z is equal to x की क्या पावर और y की क्या पावर आ सकती है, सो मैं ट्राई कर रहा था, तो मैंने z is equal to x square y cube लिया और उससे मैंने मतलब जैसे आपने डिराइव किया तो मैंने वैसे डिराइव किया और सेम आया था। बराबर है, बराबर है। देखो मैंने मैंने एकदम ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं किया, देख मैं 2 के जगह ना 4 देता था या 3 के जगह 6 देता था, तो थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेट बना सकता हूँ क्वेश्चन को, लेकिन मैंने डायरेक्टली कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया, मैंने वैसे ही रखा। देखो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, सब लोग ध्यान से सुनो गाइस, सब लोग ध्यान से सुनो। पहले तो मुझे तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, और डी आर वेक्टर को अपन डी एक्स आई कैप, देखो डी आर वेक्टर को अपन क्या लिखते हैं, dx i cap plus dy j cap, और j k cap लिखने की जरूरत नहीं है, ii बचेगा jj बचेगा, तो जो तो इसका इंटीग्रेशन क्या बचने वाला है, 2x y cube dx plus यहाँ पे क्या 3y square x square dy। गाइस अब ये जो इंटीग्रेशन है ना सर, गाइस यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, निहारिका यहाँ पे देख, z की वैल्यू मुझे बताओ, z की वैल्यू एक काम कर दो, एक मिनट रुको, एक मिनट। अब तुम लोग सर ये कैसे करना है, इसको कैसे अपने को दिमाग में आ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपका मैथ इसके लिए अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला था ना जेई एडवांस में जाते तो आपका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप जेई एडवांस सोचो भी मत, सिंपल। आपका मैथ अच्छा खासा स्ट्रांग होना चाहिए तो ही जेई एडवांस की इवन फिजिक्स के क्वेश्चन आपको जमेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मैथमेटिकल एनालिसिस अब देखोगे, इस चीज को देखो अच्छे से, गौर से देखो इसको, गौर से। यहाँ पे 2x dx दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2x dx दिख रहा है, ये किसका डेरिवेटिव है गाइस, किसका डेरिवेटिव हो सकता है भाई, 2x dx किसका डेरिवेटिव हो सकता है, x स्क्वायर का, बराबर x स्क्वायर का, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है ना, अच्छी बात है, चलो मतलब अपन कुछ ना कुछ बच रहे। y स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, y स्क्वायर 3y स्क्वायर dy किसका डेरिवेटिव है, देखो हाँ मतलब मत कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो आप क्या करोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। देखो यहाँ पे जो मैं जो बोला ना अभी यहाँ पे, जिसको नहीं समझ में छोड़ दो, जिसको नहीं समझ में छोड़ दो, लेक्चर के बाद आप लोग इसके ऊपर सोचने की कोशिश करना मैं क्या बोला, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, सपोज मैंने जेड को एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिखा, तो आपको पता है व्हाट इज डीजेड, डीजेड क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x dx, y cube वैसा का वैसा, plus y cube का derivative 3y square dy, x square वैसा का वैसा। अब आप चेक करोगे भाई यही तो टर्म है ना यहाँ पे, देखो इसका मतलब है पूरा का पूरा डेरिवेटिव किसका है, ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव किसका है, x square y cube का है, ये समझना जरूरी है आपको गाइस। तो आपको पता है ये पूरा का पूरा जो टर्म है ना यहाँ पे, आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा चीज यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, और इसको जाएगा लिमिट 0.0 से लेके 2.3, ये आपको समझना जरूरी था, एक बार ये डाल दिया तो तुम्हारा अभी तो आंसर आ गया, अभी तो क्या है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो ये जो चीज है ना, ये लिखना जो मैंने यहाँ पे अभी किया, ये क्या किया, ये जिसको समझ में नहीं आया प्लीज आप लोग देखा लेक्चर के बाद इसको देख लेना, ठीक है, तुमको समझ में आएगा। और यहाँ पे अभी 0.0 और यहाँ पे 2.3, तो एक बार 2.3 0.0 डालो तो 2.3 आ जाएंगे, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब कितना आता है वो, और यहाँ पे 0.08, हाँ तो यहाँ पे आंसर आएगा 108, ठीक है,
देखो इसको वापस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये थोड़ा सा जेई एडवांस ओरिएंटेड सम है तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा रेगुलर लेक्चर है, तो जेई एडवांस के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं देता यहाँ पे, ठीक है गाइस? लेकिन आपको मेथड समझ में आई एटलीस्ट? यस सर। हाँ, अब एक काम करना है, मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना वर्क डन बाय ग्रेविटी इज MgH, अभी आपको खुद को प्रूव करना है, ठीक है? आगे बढ़े अपन, या इसको लिखना है आपको, लिखो फटाफट, एक मिनट दे रहा हूं मैं आपको लिखने के लिए, एक मिनट लिखो और उसके बाद जो आपको जो भी करना है मतलब इसके ऊपर का जो R&D करना है वो बाद में करो। ध्यान में रखना, इसको ये समझना जरूरी था कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज नथिंग बट दिस जो मैंने यहां पे लिखा है 2xy³ dx + 3y² x² dx, ये आपको समझना बहुत जरूरी था, ये जिसको क्लिक हो गया मैथमेटिकली उसका आंसर आ गया, ठीक है? अरे आप हाँ बराबर बराबर अजिंक्य सही बोल रहा है तू। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल मैंने जो आपको बोला ग्रेविटी का प्रूव करके दिखाओ, मैंने क्या बोला ग्रेविटी का, सब लोग सुनो यहाँ पे, सब लोग पहले यहाँ पे सुनो, ऐसा पकड़ लेते हैं कि एक मास m है जो 0.0 पॉइंट पे रखा हुआ है और ऐसा पकड़ लेते हैं ये घूम घूम के कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये कुछ आ गया या ये कुछ ऊपर गया नीचे, आप कुछ भी कर सकते हो, अपन ऐसा पकड़ लेते, चलो ये जो डिस्टेंस है सुनो यहाँ पे, ये अपन डिस्टेंस पकड़ लेते हैं कुछ h और ये डिस्टेंस पकड़ लेते हैं l, तो मुझे होता है कौन से पॉइंट पे आ गया, ये सपोज 0.0 होगा तो ये नीचे आ गया, मतलब कौन सा पॉइंट है l, -h बराबर ना, वो 0.0 पकड़ा तो ये l, -h होगा ना गाइस। एक काम करते हैं, l, -h अगर नहीं लिखते तो लोग बोलेंगे पहले सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप, ठीक है एक मिनट रुको, सब लोग यहाँ पे देख लो, एक काम करता हूँ मैं, सब लोग देखो ये मेरा x एंड y एक्सिस है, ठीक है? मेरा एक ब्लॉक है जो यहाँ पे रखा हुआ है, कितने हाइट पे रखा हुआ है बताओ मुझे, ये y एक्सिस पे रखा हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है इसका रखेंगे 0.h, ठीक है? तो ये मेरा इनिशियल पोजिशन है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, अब घुमा के उसको यहाँ पे लेके आए, कहाँ पे लेके आए अपन, लेट्स से ये l, l है, l, ठीक है? तो कहाँ पे लेके आए, l, 0, कहाँ पे लेके आए l, 0, मुझे बताओ कहाँ से लाए होंगे अपन इसको, कहीं से भी, ऐसा घुमा के ला सकते, ऐसे ला सकते, पाथ नंबर 1 से लाया, 2 से लाया, क्या ऐसे लाया, अपने कोई लेना देना नहीं, इसमें बोला कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, मुझे बताओ ग्रेविटी फोर्स कैसे दिखता है, ग्रेविटी फोर्स कैसे होता है गाइस, ग्रेविटी फोर्स कहाँ पे होता है, ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड डाउनवर्ड, और ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एमजी होती है, तो मुझे होता है इन टर्म्स ऑफ जे कैप लिखो फोर्स को, क्या लिखेंगे ये, क्या हो जाएगा माइनस एमजी इनटू क्या लिखेंगे, जे कैप, पहले तो मुझे होता है इतना समझ में आ रहा है क्या, फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस एमजी जे कैप, समझ में आ रहा है? यस सर। अब मुझे बताओ डीआर वेक्टर को क्या लिखते अपन, डीआर वेक्टर को क्या लिखते गाइस, यहाँ पे डीआर वेक्टर को लिखा जाता है dxi cap + dy j cap, अब मुझे बताओ मैं वर्क डन निकालने गया इंटीग्रेशन से, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे क्या चीज बचने वाली है, j cap बचने वाला है, i cap बचेगा क्या? नो सर। मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को वो प्रूव करना था, तो माइनस mg j cap अपन करेंगे डॉट dr dx i cap + dy j cap, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा j cap, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, माइनस mg इंटू क्या, dy, समझ में आ रहा है तुमको, माइनस mg इंटू dy भाई, सिर्फ j cap बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ पे होंगे, इनिशियल लिमिट इज फ्रॉम 0, h टू फाइनल लिमिट इज व्हाट, l, 0। अब मुझे होता है यहाँ पे कोई भी x का काम है, एक्सिस का काम है क्या, x का भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy, mg तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज व्हाट y, तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज नथिंग बट माइनस mg और यहाँ पे y रहेगा और लिमिट सिर्फ अपन जानेंगे h टू
जीरो, तो एक बार जीरो एक बार एच डालो, इसका आंसर आएगा माइनस एम जी, जीरो माइनस एच इज माइनस एच, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा एम जी एच, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी रहेगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट कितना एम जी इंटू क्या एच, एच इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इवन दिस एल, डज इट डिपेंड अपॉन एल, ब्लॉक इनिशियल से फाइनल में आया कुछ डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली एमजीएच आया, अपना प्रूव हो गया आपने कर दिया किससे, अपने ये मेथड से, समझ में आ रहा है। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इवन कुछ कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए। फटाफट इसको लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब समझ में आया तुमको जो मैंने मेथड बनाई थी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, आपने को ये सब डेरिवेशन छोड़ दो, अपने को सिर्फ दिमाग में रखना है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट, एमजी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, सिंपल, वर्क डन बाय ग्रेविटी नथिंग बट एमजी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, कितना दिमाग में रखना है। ठीक है, पांच मिनट का ब्रेक चाहिए क्या आपको, क्योंकि मुझे उसके बाद क्योंकि अभी कैसे कि अभी अपना लेक्चर 6 बजे, तो मैं लेक्चर पूरा का पूरा लूंगा, डेढ़ मतलब ढाई घंटे का, तो 1:30 तक लेक्चर चलेगा अपना। ठीक है, ब्रेक चाहिए, हाँ तो एक काम करो इतना लिखो, और अभी कितना टाइम हुआ है एग्जैक्टली, टाइम कितना हुआ है 12:45 राइट, 47 सर, 12:47 चलो 12:47 टू 12:57 ठीक है, आ जाओ 57 को फटाफट, हाँ बोलो, आज आतिश सर का लेक्चर मतलब सेशन है फेस टू फेस 2 बजे, तो मैं 1 बजे लेक्चर छोड़ सकता हूँ, हाँ देखो सिर्फ वो देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं उसको रिकॉर्डिंग, ठीक है ओके सर देख लूंगा, आगे का रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके सर थैंक यू, चलो ठीक है।
गाइस चलो आ जाओ चालू करते वापस मिनट वैसे भी एक्स्ट्रा मिल गया आपको जिंदगी में ठीक है गाइज यहाँ पे सब लोग देख लो गाइज यहाँ पे सब लोग देख लो ये हो गया राइट ये अपना हो गया अब मुझे बताओ अब मुझे अब देखो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो अब तक कोई दिक्कत है क्या नो सर हाँ सब लोग आ गए चलो अब मैं अभी क्या पढ़ूंगा देखो अभी क्या करने वाला हम लोग में थोड़ा सा क्योंकि एचसीएल के कुछ क्वेश्चंस अपने को करने देखो थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट भी बचा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट इन द सेंस मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो होता है वो बचा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट है वो पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों चीज सेम ही है लेकिन वो करने के पहले ना एचसीएल आप सॉल्व कर पाए इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन और आपसे करवाता हूँ एचसीएल खुद को करना है मतलब वो अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा ठीक है अब थोड़ा सा हम लोग क्या करने वाले पता है गाइस वर्क एनर्जी थ्योरम जो अपन ने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम प्लस सर्कुलर मोशन मतलब वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन दोनों के कंसेप्ट को अपन कंबाइन करेंगे आपको समझ में आएगा देखो कैसे और इवन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कंबाइन हो जाएगा कैसे हर एक चीज एक ही जगह पे आती है ठीक है मतलब अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन जो आगे का चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद भी पूरा का पूरा उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स पार्ट वन पूरा का पूरा एक कंबाइन होकर आता है गाइस ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख लेना अभी ये वाला कुछ क्वेश्चंस में कराता हूँ जैसे हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल ठीक है तो इस टॉपिक का नाम है मैं अगले इसमें कर लेता हूँ मोशन इन वर्टिकल सर्कल ठीक है अब मोशन इन वर्टिकल सर्कल का एकदम सिंपल इसमें अलग 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 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि फर्स्ट केस वन देखते जाओ यहाँ पे केस वन देखते जाओ अब ऐसा पकड़ लो यहाँ पे ये एक मास m लटका हुआ है लेंथ l पे लटका हुआ है और अब मैंने क्या किया इस मास m को अब देखो इस मास m को थोड़ा धक्का दो क्या करेगा मास m क्या करेगा कभी कभी थोड़ा सा एकदम नॉर्मल धक्का दिया तो क्या करेगा बॉल क्या करेगा या बॉब क्या करेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा ऐसे और ऑसिलेट करेगा बराबर ना पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा ऑब्जर्व किया आपने इसको थोड़ा सा और जोरदार धक्का एकदम जोरदार धक्का दो कभी कभी क्या करता है पूरा का पूरा घूम भी लेता है देखा है आपने yes, और कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा और मतलब एकदम ज्यादा धक्का मत दो लेकिन इतना भी धक्का मत दो कि वो पेंडुलम की तरह बिहेव करे कभी कभी क्या ऊपर जाता है और यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक होकर नीचे गिर जाता है ऐसे तो अलग 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 केसेस जो होती है वो अपन डिस्कस करते हैं तो पहला केस वन अब मैं इसको इतना धक्का दूंगा कि ये जस्ट यहाँ पे है देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे है देखो यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूं चाहे तो रेड में लिखता हूं इसको ये जस्ट यहाँ पे आए इट विल जस्ट रीच हियर इसका मतलब यहाँ का इसका वेलोसिटी कितना हो गया गाइस इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ जीरो हो गया और क्या बोला कितना वेलोसिटी मैं दू मतलब ये मुझे वेलोसिटी निकालनी है ये मुझे v नॉट निकालना है कि सो दैट दिस विल जस्ट कम हियर इट द स्ट्रिंग विल जस्ट बिकम हॉरिजॉन्टल ऐसा बोलते हैं उसको स्ट्रिंग विल जस्ट बिकम हॉरिजॉन्टल गाइस कितना मैं धक्का दू तो इट विल जस्ट बिकम हॉरिजॉन्टल ठीक है तो अब मुझे इस केस में बताओ इसमें बताओ मुझे क्या यूज करेंगे अपन क्या यूज करेंगे मुझे बताओ यहाँ पे कितने अननोन है अननोन कितने बताओ मुझे यहाँ पे अननोन कितना है भाई एक ही अननोन है वेलोसिटी वी नॉट अननोन है जो मुझे निकालना है कितना वेलोसिटी वी नॉट अब रूल सिर्फ एक अननोन होगा ना तो वर्क और वेलोसिटीज इन्वॉल्व होंगे और एक ही अननोन है तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ यहाँ पे भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते तो यहाँ पे क्या होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ ऊपर लगाता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, अब मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस रहेगा माइनस रहेगा? माइनस माइनस, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस एमजीएल, बिल्कुल माइनस एमजीएल. व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन? वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा यहाँ पे? जीरो. जीरो, ठीक है. तो वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे जीरो होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज जीरो, फाइनल इज जीरो, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, एम एम कैंसिल, वी नॉट की वैल्यू कितनी आई गाइस? वी नॉट की यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट ऑफ क्या? 2gl. तो अब एक बात तो मुझे पता चल गया, नाउ इफ माई वेलोसिटी, इफ माई दिस वेलोसिटी इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2gl, तो ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक क्या करेगा? ऑसिलेट. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे मुझे क्या पता चला, इफ माई वेलोसिटी, स्पीड ऑफ दिस, जो बॉब का स्पीड, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू वी नॉट, the block or the bob will oscillate करेगा. oscillate मतलब pendulum की तरह behave करेगा ना, वो ऐसा 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 करते रहेगा. समझ में आ रहा है? अब इसी में एक मतलब एक एक ये केस वन है. सुनो, मैं केस तीनों तीन केस पहले डिस्कस करूंगा, पहले मैं तीनों तीन केस डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको लिखना है. नाउ केस टू, केस टू. अब यहां पे देखो केस टू क्या है. अब ऐसा पकड़ लो, किसी ने बोला, अब मैंने ना बहुत पहले, मैंने जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, मैंने कुछ चीज बताई थी, आपको याद है कि नहीं पता नहीं मुझे. जब मैं इसको इतना स्पीड दू सच दैट, सो दैट ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करे, तो मैंने मुझे एक चीज बोली थी, जब भी ये जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देखो कहीं ध्यान में रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब ये ब्लॉक, ये बॉब जब ऊपर जाता है, ऊपर ये इधर किधर तो जाता है, तो मुझे बताओ पहले क्या चीज जीरो होती है? टेंशन. पहले मुझे बताओ स्ट्रिंग स्लैक होती है या वेलोसिटी जीरो होती है? स्पीड जीरो होता है, स्ट्रिंग स्लैक होती है. टेंशन जीरो. आपको बोला था मैंने टेंशन जीरो होता है कभी भी ऊपर जाने के बाद. कभी यहाँ पे स्पीड जीरो होता है क्या? ये जीरो होता है क्या? नो सर. आपको याद है मैं सर्कुलर मोशन में चीज बोली थी, किसी को याद होगा जो पढ़ता होगा ना. yes, तो याद होगा. कभी भी ध्यान में रखना, ये इधर ऊपर जाने के बाद हमेशा पहले स्ट्रिंग स्लैक होती है, मतलब स्ट्रिंग निकल जाती है, ढीली हो जाती है स्ट्रिंग, और फिर ब्लॉक अपना नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है. ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना. अब मैंने क्या बोला है यहाँ पे, ये कंडीशन सुनो क्या है. ठीक है, पहले मैं इसको निकाल देता हूं. अब कंडीशन सुनो पहले क्या है. एक मिनट. फाइंड यहाँ पे देखो, फाइंड वी, मतलब वेलोसिटी वी वन लिखता हूं मैं, ये वी वन लिखता हूं. फाइंड दिस वी वन मिनिमम सो दैट इट विल कंप्लीट, the bob will complete circle, it will complete the whole circle. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे मुझे बताओ, आपने देखो ना, आपने एक चीज देखी होगी, जोरदार घुमा है तो पूरा का पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट करेगा ही करेगा, पूरा का पूरा सर्कल में घूमेगा. लेकिन अभी मैंने क्या बोला, v1 की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, आई नीड v1 का मिनिमम वैल्यू. देखो उससे ज्यादा स्पीड होगा तो ऑब्वियस की बात है वो तो करेगा ही करेगा, सो दैट इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल. ठीक है, एक जस्ट वर्ड, इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल. ठीक है, तो अब मुझे इसका मतलब मुझे बताओ कि मैंने ये मेरा इनिशियल पॉइंट माना, तो मेरा फाइनल पॉइंट कहां पे होगा? मेरा फाइनल पॉइंट कहां पे होगा? ऊपर. तो ये हो गया मेरा ऊपर फाइनल पॉइंट, ये हो गया मेरा ऊपर फाइनल पॉइंट. ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी मैं यहां पर लेता हूं वी टू. ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर कितने अननोन थे, मुझे बताओ कितने अननोन थे यहां पर? V1 भी अननोन है और V2 भी अननोन है. ठीक है, ये हो गया मेरा इनिशियल, ये मेरा इनिशियल कंडीशन हो गया और ये मेरा फाइनल कंडीशन हो गया. अब दो अननोन है तो मुझे इक्वेशन भी कितने चाहिए गाइस? मुझे इक्वेशन भी कितने चाहिए? V1 एंड V2 दोनों अननोन है. ठीक है, दो इक्वेशन चाहिए. तो पहले तो मुझे एकदम सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बताओ मुझे? क्या हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसा लिखता हूं मैं. अब मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स कहाँ पे? ग्रेविटी फोर्स कहाँ पे? नीचे है. और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? ये भी लेंथ एल है, एल प्लस एल कितना? 2L. नीचे, हाँ. तो मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? माइनस एमजी इंटू 2L. ये समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस सर. mg और 2l ऊपर, वर्क डन बाय टेंशन तो वैसे भी जीरो है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे अपन? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर. इक्वेशन नंबर वन हो गया.
चलो एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन नंबर 1 इसको नहीं लिखते, थोड़ा सा उसको और सजा सजा के लिखते हैं, क्योंकि मेरे को V1 की वैल्यू चाहिए। गाइस मैं जो कर रहा हूँ पहले सिर्फ देखो, MM कैंसिल, V1 की वैल्यू आएगी, V1 स्क्वायर आएगा, कि इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, यहाँ पे आएगा V2 स्क्वायर प्लस 4GL। देखो यहाँ पे MM कैंसिल होके यही दिखेगा। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, वन। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ गाइज, यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी है कि नहीं है? तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट, में सपोज इसका FBD बनाओ, MG नीचे होगा और टेंशन TV कहाँ पे होगा, नीचे। और आप सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा कंसेप्ट याद करो, ये सेंटर होता है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, विच इज इक्वल टू नथिंग बट V2 स्क्वायर डिवाइड बाय L, याद है? एक्सेलरेशन नीचे, ग्रेविटी टेंशन भी नीचे। मुझे बताओ यहाँ पे मुझे सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाना पड़ा, तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट क्या होगा? तो मेरा सेकंड जो कंसेप्ट लगेगा विच इज सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, सर्कुलर मोशन CM, उसका कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे? ग्रेविटी विच इज MG प्लस टेंशन T इज इक्वल टू क्या होगा, M V2 स्क्वायर डिवाइड बाय L। पहले तो इतना लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। जो था पहले तो मुझे वर्क करने चाहिए, सर्कुलर मोशन कंसेप्ट दोनों लग गए कि नहीं लग गए, इतना समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ये डेरिवेशन है गाइस, ये डेरिवेशन है, इससे मैं एक प्रूफ करने वाले कुछ चीज में, केस 1 केस 2 केस 3 ना आपको दिमाग में रखना है बाद में, लेकिन ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वर्क करने चाहिए का कंसेप्ट लगाओ, सर्कुलर मोशन कंसेप्ट लगाओ, दोनों लगाओ। इसके बाद मुझे क्या पूछा है बताओ, मुझे क्या पूछा है यहाँ पे? क्वेश्चन सुनो क्या है, फाइंड V1 मिनिमम सो दैट The bob will just complete the circle. It will just complete the circle. का मतलब क्या होता है? मुझे बताओ, इसमें मुझे V1 की कौन सी वैल्यू निकालनी है? गाइस? Minimum. अब V1 की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे V2B की कौन सी वैल्यू चाहिए? भैया लेफ्ट हैंड साइड मिनिमम होगा तो राइट हैंड साइड में मिनिमम ही होना चाहिए ना, कि पूछा है ऐसा है कि भाई V1 की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे V2 भी मिनिमम होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉब एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? ये क्वेश्चन अपने सर्कुलर मोशन में किया था, इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। हां यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद करो, जरा टेंशन V2 की एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बॉब की मिनिमम वैल्यू होती है √GL, किसी को याद होगा तो? यस सर। हां तो बेसिकली फॉर V2 टू बी मिनिमम, तो इस V2 को मिनिमम करने के लिए मुझे टेंशन की वैल्यू कितनी करनी पड़ती है? 0। और V2 की जो मिनिमम वैल्यू फिर कितनी आती है, फिर इसका मतलब मेरा V2 का जो मिनिमम वैल्यू आया वो कितना आया, अंडर रूट ऑफ कितना आया, अंडर रूट ऑफ GL आया। अब मुझे तो अंडर रूट ऑफ GL यहाँ पे डालो, अंडर रूट ऑफ GL स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या GL प्लस 4GL कितना आया, गई 5GL। तो इसका मतलब मुझे होता है V1 का मुझे मिनिमम वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे जो V1 का जो मिनिमम वैल्यू आया वो √GL का स्क्वायर, मतलब GL प्लस 4GL इज 5GL। तो V1 का मिनिमम वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना आया गाइस, अंडर रूट ऑफ कितना है 5GL। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे गाइस? तो मतलब एक मतलब इस पूरा क्वेश्चन का मैं आपको जो बताया, मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है कि एक बॉब को √5GL इतना वेलोसिटी देंगे तो जस्ट ऊपर तक पहुंचेगा, और ऊपर तक पहुंचने के बाद यहां से स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है क्योंकि देयर इज नो स्ट्रिंग ना, क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन कितना कर दिया मैंने, 0। तो सर्कल कंप्लीट नहीं करने वाला है, आधा सर्कल कंप्लीट करेगा उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन जाने वाला है, तो इट इज नॉट कंप्लीटिंग। लेकिन √5GL थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगा तो क्या करेगा, √5GL से थोड़ा सा भी स्पीड ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो √5GL से थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ध्यान में रखना गाइस। तो यहाँ पे मेरे को केस मिल गई, केस 2। नाउ इफ आई वांट, इसीलिए मिनिमम लिखा हुआ है, V1 मिनिमम मतलब माय स्पीड शुड बी कितना, ग्रेटर देन कितना गाइस, माय स्पीड शुड बी ग्रेटर देन कितना, √5GL। दिमाग में डाल दो। अब केस 3 लिखता हूं मैं, तीनों दिन साथ में लिखोगे आप, ठीक है? लेक्चर खत्म हो चुका है, बढ़ा देते लेक्चर को अभी। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो मतलब मेरा केस क्या मिल गया मुझे, केस बताओ क्या मिल गया मुझे। अब मैं केस 3 भी कर लेता हूँ, केस 3
what if बॉब का स्पीड, मैं एक चीज बोली थी आपको, जैसे मैंने बोला कि बॉब का जो स्पीड होगा v, now if v is less than root 2 gl तो क्या होगा मुझे बताओ, क्या करेगा वो? ऑसिलेट करेगा, पहले देखा रूट फाइव जीएल से ज्यादा होगा तो क्या करेगा वो, पूरा का पूरा सर्कल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा. लेकिन लेकिन सपोज इफ स्पीड इज लेस देन, मतलब ग्रेटर देन रूट टू जी एल एंड लेस देन रूट फाइव जी एल, तो क्या होने वाला है इस केस में, क्या होने वाला है इस केस में? ब्लॉक कहीं ना कहीं बीच में, हाँ कहीं ना कहीं बीच में जाके कोई ना कोई एंगल पे इसका क्या चीज जीरो होने वाला है, क्या चीज जीरो होने वाला गाइस? टेंशन. वेलोसिटी. टेंशन जीरो नहीं, अरे वेलोसिटी जीरो नहीं होता भाई, भूल जाओ, भूल गए. वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी तो वही रहेगा, लेट्स से v2, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, क्या चीज जीरो हो जाएगा? टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन जीरो. स्ट्रिंग बिकम स्लैक, और इसके बाद जैसे स्ट्रिंग बिकम स्लैक, इसके बाद ये क्या करने वाला है गाइस, ये बॉल क्या करने वाला है, कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन. अब इसमें एडवांस का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे? कुछ एंगल पे, मतलब मैंने कुछ वेलोसिटी स्पीड दे दिया, कुछ एंगल पे स्ट्रिंग स्लैक करेगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो बोलेगा कि फाइंड दिस मैक्सिमम हाइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड नॉर्मल अपना सबको कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब सर्कुलर मोशन, वर्क एंड थियरम एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तीनों का एडिशन से लेके क्वेश्चन बनेगा. समझ में आ रहा है? यस सर. तो ये नीट बिट में नहीं पूछते क्योंकि नीट में इतना टाइम भी नहीं होता, एक मिनट में करना होता है, डेढ़ मिनट में करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व. ठीक है, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे लिख के करने के लिए बोला, तो मैंने तीन केसेस बताए आपके, कौन से केसेस यहाँ पे फटाफट लिखते जाओ, चलो ये फटाफट केसेस लिखते जाओ. पहला केस, अब मैंने इसमें टॉपिक का हेडिंग क्या डाला है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कल मतलब क्या, बॉब ऐसा घूम रहा है, ऐसे ऐसे. तो गाइस ध्यान में रखना, मोशन इन वर्टिकल सर्कल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ता है, वर्क एंड थ्योरम का कंसेप्ट एंड सर्कुलर मोशन कंसेप्ट दोनों, क्योंकि सर्कल तो है तो सर्कुलर मोशन भी होगा, और वर्क एंड थ्योरम तो अपन पढ़ ही रहे हैं. ठीक है, फटाफट लिखो, चलो मैं आपको दो मिनट दे रहा हूँ, तीन मिनट दे रहा हूँ तीनों तीन चीजें लिखने के लिए, फटाफट लिखो क्योंकि मुझे उसके बाद दो तीन क्वेश्चन और करने हैं, सच सो कि आप लोग पूरा का पूरा एच शर्मा सॉल्व कर पाए, क्योंकि एच शर्मा का मैं होमवर्क क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखूंगा अभी स्क्रीन पे. हो गया, इसको लिख के आगे बढ़े, केस वन हो गया. चलो केस टू लिखो फटाफट, एक केस थोड़ा सा लंबा है, केस थोड़ा सा लंबा है, समझ के लिखो इसको, केस तो कुछ समझना ही नहीं है. सर एक मिनट, लास्ट लाइन दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना. हो गया, फ्राइडे को अपना वर्क एनर्जी पावर खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही टॉपिक बचने वाला है, कोलिजन. ठीक है, उसके बाद तो वैसे भी रोटेशन मोशन ही आपका चल ही रहा है वैसे भी. ठीक है, रोटेशन मोशन भी मेरा अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा.
भाई कोमल कोलिजन का मतलब है सेंटर ऑफ मास कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो एक ही टॉपिक है पूरा। लेकिन मैकेनिक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा? यस सर समझ रहा है, समझ रहा है ना थोड़ा? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगी आपकी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना समझ में आना चाहिए बस। पढ़ा वो समझ में आया मतलब ठीक है, वो धीरे से आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना वो सब कुछ बाद में होगा, ठीक है। और मैं आपको एकदम सिंपल चीज बताऊ, एच सी वर्मा जो लोग जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एच सी वर्मा चलो आगे बढ़ते, ये लिख के हो गया आपका। जो मैंने लिखा है वो समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है। केस थ्री का क्या हो गया, केस थ्री का क्या है, केस थ्री भी आप लिख के रखो चाहिए तो, केस थ्री भी क्या है मतलब इन बिटवीन, वो ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला चीज क्रॉस करेगा ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं जाके प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा उसका, मतलब एक डायग्राम को ड्रॉ करो सिर्फ और बस ये वाला चीज भी लिख दो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा क्योंकि टेंशन जीरो हो गया। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक, चलो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, वो आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन करते हैं छोटा सा, यहाँ पे देखो तीन, दो क्वेश्चन देता हूं मैं, दो क्वेश्चन देता हूं, लिख के हो गया क्या, ये लिख के हो गया पहले मुझे बताओ, लिख के हो गया तीनों दिन? ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे देखो दो एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट आप लोग सॉल्व करोगे दो एग्जांपल को, ठीक है। एक मास एम है, लेंथ एल है, इसको मैंने एक स्पीड दिया रूट ऑफ, गाइस रूट ऑफ जीएल का मैंने स्पीड दिया। तो अब एक बार रूट ऑफ जीएल का स्पीड दिया और एक बार ये मास एम है, उसको मैंने रूट सिक्स जीएल का स्पीड दिया। मुझे बताओ दोनों केसेस में क्या होने वाला है, कोई बोल सकता है दोनों केसेस में क्या होगा? रूट जीएल रूट सिक्स जीएल में, रूट जीएल में क्या होगा, रूट जीएल में क्या होगा मुझे बताओ, क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या करेगा रूट जीएल के केस में क्या करेगा? ये ब्लॉक इसको ही क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके जब ये बॉल ऑस्किलेट करेगा तो कहीं ना कहीं जब नीचे रहता है तो क्या चीज जीरो होती है, जब बॉल इसके नीचे रहता है तो क्या चीज जीरो होने वाली है अंदर, वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे पहले कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि क्या बोला मैंने ऑसिलेशन के केस में वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्योंकि नीचे वेलोसिटी जीरो होती है ना, टेंशन जीरो नहीं होगा। हाँ इसके ऊपर चला गया तो वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, टेंशन जीरो होगा ध्यान में रखना, लेकिन इसके नीचे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो बोला है कि कितना एंगल ये रोटेट करेगा, थीटा निकालना है, फाइंड दिस थीटा, कैसे निकालोगे गाइस, कैसे निकालोगे, कितना अननोन है यहाँ पे बताओ, अननोन कौन सा इसमें, कितना अननोन है, टेंशन एक, अरे भाई टेंशन मत बोलो, अननोन कौन सा, थीटा, मुझे थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना है मुझे, तो मुझे बताओ कौन सा थ्योरम लगाओगे यहाँ पे, कौन सा थ्योरम लगाने वाले, वर्क एनर्जी थ्योरम ना, और क्या लगाओगे भाई, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होगा वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा पता है किसी को, माइनस एमजीएल, किया गलती फटाफट फटाफट बोलना पड़ेगा, पहला एल माइनस एल कॉस थीटा, हां एल माइनस एल कॉस थीटा करना पड़ेगा भाई, भूल गए तुम लोग यार, मार खाने वाले हो, फाइनल हो गए इनिशियल होगा। अब मुझे बताओ ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे जाके जीरो होने वाला है, अब
भाई रूट जी एल वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी रूट जी एल है, तो ये पहले तो रूट टू जी एल है क्या? नहीं है, रूट टू जी एल होगा तो इधर आएगा वो, तो रूट टू जी एल से कम है, इसका मतलब वो ऑसिलेट करेगा, पहले ये समझना आपको जरूरी है, ठीक है? नहीं समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? वेलोसिटी इनिशियल जीरो, वेलोसिटी इनिशियल रूट जी एल फाइनल जीरो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ये जो चीज होती है हमने पहले भी किया था, ये होता है एल माइनस एल कॉस थीटा। अभी आपको खुद को करना है, मैंने क्यों किया क्योंकि पिछले लेक्चर में भी अपना हुआ था। तो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, इट इज माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, मतलब एल वन माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? वर्क डन बाय टेंशन तो वैसे भी जीरो ही होता है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो होती है, माइनस माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब कितना, जीएल ना, रूट जीएल का स्क्वायर विच इज जीएल। अब एमजीएल एमजीएल कैंसल, तो यहाँ पे आंसर क्या है, माइनस माइनस भी कैंसल, तो आंसर क्या है, वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, हाफ, तो थीटा कितना है गाइस, थीटा कितना होता है इसका, 60 डिग्री। तो आंसर कितना है, 60 डिग्री। तो कितना कितना जाएगा, 60 डिग्री तक जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में कैसे किया अपन ने गाइस? हाँ, किसी ने ऐसा पूछा, फाइंड टेंशन एट दिस पॉइंट, किसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो टेंशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा बताओ मुझे, टेंशन किसी ने निकालने को बोला तो क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा कंसेप्ट, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट ना। तो टेंशन निकालने को बोला तो यूज करो वो, फिर वो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय एल, खत्म बात। समझ में आ रहा है तुमको, इफ दे आस्क टेंशन तभी करना है, अभी तो मैंने थीटा पूछा है, सिंपल, ठीक है? चलो एग्जाम्पल टू में, एग्जाम्पल टू में क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल टू, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल टू यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है यहाँ पे, देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्कुलर मोशन का कांसेप्ट लगाता हूँ। फाइंड यहाँ पे बोला है, फाइंड टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट, एट अपर मोस्ट पॉइंट। तो पहले तो मुझे बताओ ये सर्कुलर मोशन पूरा वर्टिकल सर्कल जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले वो बताओ। वेलोसिटी कितना है, रूट सिक्स जीएल, तो रूट फाइव जीएल से ज्यादा है, तो रूट फाइव जैसे ज्यादा, इसका मतलब है पूरा का पूरा क्या जाएगा, पूरा का पूरा क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर, करेगा ना भाई, करेगा। तो ये ऐसा करके करके ऊपर गया, इधर गया, अब इधर जब गया, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कुछ आया, वो मुझे पता है क्या वेलोसिटी, चलो वी टू ले लेता हूँ या वी फाइनल ले लेता हूँ। देखो आपको मेथड समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे करना होता है। अब मुझे बताओ ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, पहले क्या लगाओगे, पहले मुझे बताओ क्या लगाओगे इसमें, ठीक है? अब पहले तो मुझे बताओ ये V इनिशियल तो कितना दिया है, V इनिशियल की वैल्यू दी है रूट सिक्स जी एल, V फाइनल मुझे निकालना है, और क्या मुझे निकालना है, टेंशन निकालना है। तो मुझे पहले बताओ दो अननोन है यहाँ पे, टेंशन भी अननोन है, V फाइनल भी अननोन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगाना ही लगाना है, और उसके साथ साथ क्या लगाना है, सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको क्या बोला, जो मैं लास्ट क्लास का पार्ट कर रहा हूँ, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन दोनों कॉम्बिनेशन है, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ इस केस में क्या करेंगे अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा यहाँ पे, माइनस एम जी इंटू कितना, टू एल, वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो इज इक्वल टू चेंजिंग एनर्जी, मतलब हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस हाफ एम रूट सिक्स जी एल का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, सिक्स जी एल। समझ में आ रहा है? अब 2 2 2 2 यहाँ पे गया तो माइनस फोर एम जी एल हो गया, तो यहाँ पे वी एफ की वैल्यू कितनी आई गाइस, वी एफ की वैल्यू कितनी आई, जरा चेक करो, ये 2 इधर गया तो 4 हो गया, ये 6 जी एल प्लस 4 जी एल 2 जी एल बचा, तो आंसर अंडर रूट ऑफ कितना है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कितना है। तो मुझे तो फाइनली इसका जो वेलोसिटी आया एट द अपर मोस्ट पॉइंट कितना मिला, मुझे कितना मिला, अंडर रूट ऑफ कितना मिला, रूट टू जी एल मिला। तो ये रूट सिक्स जीएल होता है, रूट टू जीएल हो गया, ये अपन ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा अपने को। अब मुझे टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन कंसेप्ट। एट द अपमोस्ट पॉइंट ग्रेविटी एम जी नीचे है, टेंशन भी नीचे है, मुझे होता है एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर होता है, याद करो जरा, वो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वी एफ स्क्वायर डिवाइड बाय एल होता है। तो अपन सर्कुलर मोशन कंसेप्ट लगा देंगे, ग्रेविटी एम जी प्लस टेंशन टी इज इक्वल टू क्या, एम वी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई एल। समझ में आ रहा है? लेकिन वी एफ की वैल्यू तो रूट टू जी एल है, तो रूट टू जी एल का स्क्वायर इज टू जी एल बाय एल, तो टू एम जी हो गया। तो टेंशन मेरा आया कितना,
टेंशन कितना है 2 mg - mg mg तो mg तो टेंशन आया mg गाइस तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करने होते हैं और बहुत सारे अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं होमवर्क में भी ऐसी क्वेश्चंस है होमवर्क में भी सब ऐसी क्वेश्चंस है एचसी और मार्क के क्वेश्चंस है mvf स्क्वायर देखो मैं आपको यहां पे क्लास में बता दिया कि कैसे क्वेश्चन करने अभी होमवर्क क्वेश्चंस आप खुद करोगे तो ll कैंसिल हो गया तो टेंशन की वैल्यू यहां पे कितनी आई 2 mg - mg व्हिच इज इक्वल टू mg कोई दिक्कत मैं पूरा का पूरा स्टेप भी लिख दिया आपको समझने के लिए जिनको नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट वीडियो देख के समझ में तो आ जाए तो एग्जांपल वन एग्जांपल टू मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे ठीक है सर जो इलाज का एग्जांपल था हाँ बोलो सर यहाँ पे टेंशन एमजी के बराबर है तो रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया क्या भाई तो टेंशन एंड एमजी दोनों सेम डायरेक्शन मैंने अपोजिट कहे क्या इधर यस सर तो ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा ऐड होगा ना ऐड होगा तो कैंसिल क्यों करेगा ठीक है गाइस ये लिखो फटाफट अब होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं इधर एक बॉक्स बना के होमवर्क क्वेश्चन लिख दूँ सब लोग ठीक है होमवर्क पेज नंबर गाइस पेज नंबर है 132 से लेके आगे 132, 133 ये सब पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर फटाफट लिखते जाओ पहले सब लोग लिखो तुम लोग मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख के रख लिखते जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो स्टार मार्क कर रहा हूं अच्छा क्वेश्चन होता है तो बहुत अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 15 में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आ जाएगा बाद में पावर के क्वेश्चन तो अगले लेक्चर में करेंगे अपन ज्यादा नहीं है छोटे मोटे ही क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 35 भी पूरा का पूरा करो एक मिनट जो पहले मैं दे रहा हूं वो करो बाद में फिर बाकी वाले करना है आपको क्वेश्चन नंबर 36, 37, 40, 35 ठीक है क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46, 47 क्वेश्चन नंबर 53, 56 काफी सारे हो गए क्वेश्चंस ये करते करते आपको काफी सारा टाइम जाने ही वाला है ठीक है और कुछ कुछ क्वेश्चन इसके थोड़े से एडवांस ओरिएंटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है जो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा लेकिन पहले इतने क्वेश्चंस आप करके आओ ठीक है थोड़ा सा मेरा एकदम छोटा सा बेसिक बचा हुआ जो मैंने आज नहीं किया मैं सोचा था कि वर्क में आपको पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर पढ़ा दूंगा लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है आधे घंटे का एक काम है वो अगले लेक्चर में कर देंगे अपन ठीक है आज एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हो जाएंगे प्लीज इसके एक स्क्रीनशॉट निकालो और मुझे भेजो तो मैं सिद्धार्थ सर को भी भेज सकता हूँ आपका होमवर्क अभी होमवर्क थोड़ा सा आपको सबमिट करने को भी चालू करना पड़ेगा ठीक है गाइस लिख के हो गया क्या सबका है ठीक है ये एचसी वर्मा का होमवर्क है गाइस एचसी वर्मा का होमवर्क है सब लोग करके आओगे और होमवर्क सबमिट कब करना है बताओ होमवर्क सबमिट कब करना है पहले फर्स्ट अपना होमवर्क सबमिशन जो पहला वाला रहेगा वो रहेगा थर्सडे इवनिंग मतलब थर्सडे नाइट तक आपको करना है 11 बजे तक ठीक है इनके जो भी क्वेश्चन बचे रहेंगे उनको छोड़ दो आप लोग लेकिन पहले कुछ भी करके खुद से ट्राई करो ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आपके पास 3 दिन है 3 दिन में आपको करने हैं फिर फ्राइडे को मैं इसके कुछ 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 क्वेश्चन के सोल्यूशन बताऊंगा आपको जो मुझे लगेगा कि अच्छे क्वेश्चन है ठीक है और कुछ एचसीएल में 4-5 क्वेश्चन जो अच्छे होंगे वो मैं करवाऊंगा क्लास में लेकिन आपको मेथड समझ में कैसे सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर दोनों साथ में मिलकर चलते हैं यस सर ठीक है चलो तो लेक्चर बंद कर दूं मैं फिर सर मुझे एक डाउट है
हाँ बोलो भाई क्या डाउट है सर. नेगेटिव वर्क डन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देख यार काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तू सोचेगा ना तो नेगेटिव वर्क डन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, क्योंकि अभी वर्क एनर्जी थ्योरम सोचा है ना तूने. हाँ सर, बट सर बट मतलब मुझे ऐसा इमेजिन नहीं करने का कि मतलब होता क्या है एक्चुअल में. देख नेगेटिव वर्क डन का मतलब वही बोला ना, मतलब देख वर्क के अलग 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 चीजें, क्योंकि फाइनली क्या है कि सब मैथमेटिकली अपन उसको देख रहे, राइट? यस सर. तो तू अब तू वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है ना, तो तू बस इतना ही सोच कि तेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी. ओके सर. अब इसी के फॉर्म में सोच, और एकदम ज्यादा तू सोचने को गया है ना तो ये सब काम की चीज, इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च करना. अपने को क्या अप्लाई करना है? देख इंजीनियरिंग मतलब जेई मेन जेई एडवांस जो होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, इट इज नॉट रिसर्च ओरिएंटेड एग्जाम. समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो क्यू में घुस गया ना तो तेरा टाइम वेस्ट होगा, जो पहले मैं भी करता था 11 12 में. मेरा भी हैबिट था कि क्यू में घुसो, ये क्यू होता है, ये क्या होता है, एकदम ज्यादा क्यू में नहीं घुसने का. हाँ एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन के क्यू में घुस सकता है तू. क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअली क्यू में घुस सकता है, लेकिन कभी कभी अपन डेफिनेशन को कभी कभी अपन ना क्वेश्चन मार्क करते ना, डेफिनेशन ऐसा क्यू है. तो ज्यादा अभी मत सोच क्योंकि तेरे पास सिर्फ 1.5 साल है. 12th के बाद आ जा घर पे, मतलब मैं तेरे को एड्रेस दे दूंगा, जो जितना डिस्कस करना है उतना डिस्कस कर, बट आफ्टर 12th. हाँ सर चलेगा. ठीक है चलो चलो इसको गाइस मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ. गाइस बाय बाय. गाइस बाय सर. लिख के हो गया ना आपका? बाय सर. हाँ सर हो गया ना. चलो स्क्रीनशॉट भी ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो. बाय गाइस. बाय.